देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? इतना बड़ा गैंगस्टर था। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। की बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि बेस्ड एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी यानी कि KGF 2 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यश की एक मोस्ट अवेटेड मूवी यानी KGF 2 की, और साथ ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मूवी से कौन सी बॉलीवुड मूवी का क्लैश हमें देखने को मिल सकता है। तो वो मूवी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि वॉर 2 हो सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो जरूर ये फैंस के लिए काफी बड़ा और मेमोरेबल मोमेंट बन जाएगा। साथ ही इन दोनों मूवीज में से कौन सी बाजी मार ले जाएगी, ये देखने लायक होगा। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें इस बार KGF 2 में त्रिशा कृष्णन भी दिख सकती हैं? जब से दोस्तों ये बात सामने आई है, उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर उनके रोल की बात की जाए तो वो हमें एक IPS ऑफिसर की भूमिका में नजर आ सकती हैं, और उन्हीं की वजह से यश यानी कि रॉकी भाई को मूवी में सरेंडर करना होगा, और वो इतने स्ट्रिक्ट और ऑनेस्ट ऑफिसर होगी जो कि दोस्तों इस मूवी में रॉकी का इनकाउंटर भी करेगी रवि का सेन के ऑर्डर पर। और दोस्तों, मूवी के क्लाइमेक्स सीन में, और दोस्तों सीन को देखने पर जरूर फैंस को दुख के साथ साथ काफी गर्व की अनुभूति भी होगी, क्योंकि दोस्तों जिस रॉकी भाई को पूरे इंडिया की पुलिस नहीं मार पाई, पर उसको अब लेडी IPS के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। पर अभी तक उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। अब अगर हम बात करें कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस मूवी में हमें अधीरा यानी कि संजय दत्त की बैक स्टोरी और अच्छे से बताई जा सकती है, तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इस मूवी में हमें संजय दत्त काफी टाइम के बाद वलन की भूमिका में नजर आने वाले हैं, और इसी वजह से उनके इस रोल को देखने के लिए उनका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और इस कैरेक्टर से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड भी रहते हैं, और हमें फाइनली इस मूवी में अधीरा की बैक स्टोरी को जानने का मौका मिलने वाला है। और दोस्तों, साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर कार एक्सीडेंट के बाद वो बचे कैसे, और वो यश को कैसे हैंडल करेंगे इस मूवी में। तो चलिए, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं त्रिशा कृष्णन को इस मूवी में देखने के लिए। कैसी एक्सट्रीम डाइट से गुजरे हैं यश मूवी KGF 2 के लिए? आखिर क्या है यश का जिमिंग स्केड्यूल, और आखिर कितने घंटे देते हैं यश जिमिंग को? नमस्कार, एक बार सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, कभी कभी सभी फैंस को ये सुनकर जरूर शौक लगता है कि उनके मन पसंदीदा एक्टर्स को भी किसी मूवी में एक्ट करने के लिए कैसे कैसे अटपटी डाइट प्लान फॉलो करने पड़ते हैं। कभी कभी तो दोस्तों ऐसे डरा देने वाली खबरें भी सामने आ जाती है, जहाँ पर दोस्तों ये कहा जाता है कि एक्सट्रीम डाइट के कारण कोई स्टार सेट पर ही फेंट हो गया, या फिर उसे अचानक से ही चक्कर आ गए। ये सोचकर ही ख्याल आता है कि स्टार्स वाकई में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं इस मूवी के लिए। तो दोस्तों, आइए हम आप लोगों को एक ऐसी ही अपकमिंग मूवी में उस मूवी के मेन एक्टर ने कैसे कैसे अनोखे डाइट एंड जिम प्लान्स फॉलो किए हैं वो बताते हैं। तो जिस मूवी की यहाँ बात की जा रही है वो है अपकमिंग मूवी KGF 2। तो दोस्तों, यश हमेशा से ही एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। दोस्तों बता दूं कि वो मीट और अल्कोहल को हमेशा दो ओकेजन पर ड्रॉप कर देते हैं, पहला है न्यू ईयर के टाइम पर और दूसरा है मकाओ के टाइम पर। यश रोज स्मॉल ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, जिसके बाद वो हमेशा अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। यश हमेशा अपना ब्रेकफास्ट खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सबसे नेसेसरी होता है क्रैब, और उसके साथ साथ होता है बिग बाउल ऑफ नटमेग, 8 ब्राउन ब्रेड्स, 8 एग्स एंड वेजिटेबल्स। ये फूड रिक्वायरमेंट है उनके हर कैरेक्टर के साथ बदल जाती है। दोस्तों बता दूं कि रोज 11 बजे यश प्रोटीन शेक्स एंड फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। यश को फिश खाना काफी पसंद है, लेकिन हर मूवी से एक वीक पहले वो फिश का कंजम्पशन बंद कर देते हैं। उन्होंने KGF 2 से पहले भी ऐसा ही करा है। और सबसे अजीब जिम हैबिट जिसको यश फॉलो करते हैं वो है रोज 2 बार जिम जाने की हैबिट। दोस्तों, KGF 2 के लिए यश ने अपने डेली फिटनेस शेड्यूल डबल कर दिया है। वो सुबह 6 बजे जिम चले जाते थे, जहां पर वो कॉन्टिन्यूसली 4 घंटे वर्कआउट करते थे, और यश के ट्रेनर ने KGF 2 से रिलेटेड यश का ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके लिए कहा है कि यश का ट्रेनिंग शेड्यूल डिफरेंट एक्सरसाइज में बटा हुआ है, और ये बात बिल्कुल सच भी है।
यश सुबह अपनी ट्रेनिंग कार्डियो से शुरू करते हैं, जिसके बाद वो शाम को हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं। यश ने केजीएफ 2 के लिए, जो कि उनकी ही तरह फिट बॉडी पाना चाहते हैं। अब इस फिल्म के रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म से जुड़ी कई और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। आखिर संजय दत्त की खुशी के पीछे क्या है राज और किसका होगा केजीएफ पर पूरा पूरा राज? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, तहे दिल से स्वागत है आपका वापस से आपके अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के एक फ्रेश न्यू वीडियो में, और मैं हूं आपकी पुरानी होस्ट और दोस्त श्रुति। आज हम बात करेंगे मोस्ट थ्रिलिंग फिल्म ऑफ 2019, जिसके ट्रेलर ने ही सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कन्नड़ बेस्ड इस टॉलीवुड मूवी के हर एक सीन में क्लाइमैक्स और पूरी मूवी में भर भर कर एक्शन थ्रिल ऐड किया गया था, ताकि दर्शकों का ध्यान एक बार के लिए भी इस मूवी से ना हटे। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केजीएफ की। रॉकी भाई के मुंबई का राजा बनने के जुनून ने उनको केजीएफ तक का सरताज बना दिया था, और जैसा कि हम सब ने पहले पार्ट में देखा भी था, लेकिन पार्ट वन की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रॉकी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर डेथ वॉरेंट जारी करती है और उनकी सरकार इतिहास के पन्नों से भी उसका नाम और निशान मिटाने में जी तोड़ मेहनत करती है। आखिर क्यों? पिक्चर में दिखाया जाता है कि रॉकी बुरे लोगों के लिए दानव और भले लोगों के लिए भगवान है, तो आखिर किस वजह से ये डेथ वॉरेंट को जारी किया गया? इसी का जवाब देने के लिए निर्माताओं ने इस मूवी का चैप्टर 2 तैयार किया है, और इस मूवी के पहले चैप्टर ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसके जवाब को जानने के लिए दर्शकों का उत्साह नहीं थम रहा है। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में दुबई के ड्रग स्मगलर इनायत खलील के बारे में बताया गया है, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी, और अनुमान लगाया जा रहा था कि ये रोल शायद संजय दत्त को मिलेगा। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म डायरेक्टर ने इस बात को साफ किया कि इनायत खलील का रोल किसी ऐसे को दिया जाएगा जो पूरी तरीके से अननोन हो, ताकि ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करे एक कैरेक्टर के तौर पर। चैप्टर 2 के टीजर में भी इनायत खलील की कोई जानकारी या झलक नहीं दी गई है। टीजर को कन्नड़ या हिंदी जैसी रीजनल भाषाओं में रिलीज ना करके डायलॉग्स के साथ इंग्लिश में रिलीज किया गया है। पूरी फिल्म में ये दिखाया जाता है कि अधिरा मारा जा चुका है और पूरा साम्राज्य सूर्यवर्धन के बेटे गरुड़ा के नाम पर है। फिल्म में अधिरा के रोल के लिए चुना गया है संजय दत्त को, जिन्होंने इस रोल के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है। उनका अधिरा लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। संजय दत्त ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि वो इस कैरेक्टर से काफी ज्यादा खुश हैं। बहुत टाइम बाद जाकर उन्हें ऐसा इंटेंस नेगेटिव रोल मिला है। संजय दत्त ने 2019 में आई फिल्म पानीपत में अहमद शाह अब्दली का कैरेक्टर प्ले किया था। मूवी तो खैर फ्लॉप गई थी, मगर संजय दत्त के फर्स्ट लुक से लेकर फिल्म में उनका नेगेटिव कैरेक्टर को खूब सराहा गया था। और इससे पहले 2012 में उन्होंने आई फिल्म अग्निपथ में कांचा चीना का रोल प्ले किया था, जो काफी ज्यादा पसंद किया गया था दर्शकों की ओर। संजय दत्त काफी टाइम से ऐसे रोल की तलाश में थे, और अब केजीएफ 2 में उनका विलन का अवतार देखने में कितने दिलचस्प होता है वो तो फिल्म रिलीज के बाद ही सामने आएगा। गरुड़ा की मौत के बाद अधिरा खलील कहानी में वापस आते हैं, वहीं दूसरी ओर सट्टा में एक नया चेहरा सामने आता है। एक तरफ जहां केजीएफ के साम्राज्य को हड़पने के लिए दावेदार एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं, वहीं उस साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करने की फिराक में सरकार में तख्त पलट जारी है। काफी ज्यादा दिलचस्प और नेक्स्ट लेवल थ्रिल होगा ये देखने में कि आखिर किसके हाथ ये साम्राज्य लगेगा या फिर इस साम्राज्य का पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है। केजीएफ में सबसे ज्यादा ताकतवर अभी तक सिर्फ रॉकी को ही दिखाया गया है, तो साफ है कि उसके अलावा किसी और को साम्राज्य मिलना तो पॉसिबल नहीं है। मगर एंडिंग में प्राइम मिनिस्टर के डेथ वॉरेंट जारी करने से अनुमान लगाया जा सकता है कि केजीएफ को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहां उसे राक्षस कहती है, वहीं अधिरा और खलील की पावर का अंदाजा किसी को नहीं है। हो सकता है कि रॉकी अधिरा और दुबई के ड्रग स्मगलर खलील को मारकर इंटरनेशनल पावर्स हिला दे, जिस वजह से रॉकी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बहुत सारे अनुमान है और उससे भी ज्यादा सवाल। देखते हैं कि अंत में क्या सही साबित होता है। आखिर क्यों टल गई एक बार फिर केजीएफ 2 की रिलीज डेट? क्या सब धंधों को हुआ कोरोना वायरस से नुकसान? केजीएफ 2 के बाद कौन सी फिल्म की तैयारी में है प्रशांत नील? तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो।
अब कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने तो सबके धंधों को चौपट कर दिया है। इस चपेट में सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि एक्टर और एक्ट्रेसेस भी आए हैं। आपको बता दें कि साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट भी कोरोना की भेंट चढ़ चुकी है। ये फिल्म पहले 16 जुलाई को सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने वाली थी, मगर अब कयास है कि इस तारीख पे मेकर्स इसे रिलीज नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते दोबारा बिगड़े हालात है। ऐसे में मेकर्स नहीं चाहते हैं कि फिल्म को किसी भी तरह का नुकसान झेलना पड़े। फिल्म निर्माता और निर्देशक इसकी रिलीज के लिए सही वक्त की तलाश कर रहे हैं। सामने आ रही ताज़ा खबरों की माने तो हो सकता है कि KGF 2 को निर्माता निर्देशक इस साल रिलीज ही ना करें। कहा जा रहा है कि मेकर्स चाहते हैं कि ये फिल्म थिएटर उसी वक्त पहुंचे जब कोरोना के मामले खत्म हो चुके हों और थिएटर्स पूरी क्षमता यानी 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खुले। तो ऐसे में KGF 2 स्टार यश की इस फिल्म के लिए इंतजार में बैठे दर्शकों को अभी फिल्म की रिलीज के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कन्नड़ा सुपरस्टार यश की इस फिल्म को निर्देशक प्रशांत नील ने बनाया है। फिल्म में यश के ऑपोजिट लीड रोल में श्रीनिधि शेट्टी नजर आने वाली हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस रवीना टंडन और संजय दत्त भी फिल्म में अहम किरदारों में दिखेंगे। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और करीब करीब बनकर तैयार ही है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को निपटा कर निर्देशक प्रशांत नील अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। KGF 2 के बाद प्रशांत नील प्रभास कारर फिल्म सलार के साथ सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचेंगे। इस फिल्म का दमदार फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से भारी रिस्पांस मिला है। फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट लीड रोल में अदाकारा श्रुति हसन नजर आने वाली हैं। तो क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हम सारी लेटेस्ट खबरें आप तक लाएं, वो भी सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या फिल्म KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट सामने आई? क्या है फिल्म में गरुड़ा के किरदार की असली सच्चाई? फिल्म में पीएम के किरदार के लिए किसी महिला को ही क्यों चुना? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फिल्म KGF चैप्टर 2 की। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। फिल्म KGF इंडिया के उन गिने चुने फिल्मों में से एक है जो इंडिया के फिल्म स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करती है। KGF को लोग कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाज़ा आप KGF चैप्टर 2 के इंतज़ार से लगा सकते हैं। अब तो फैंस हर छोटी बड़ी खबरों पर नज़र रखते हैं, ताकि उनसे फिल्म से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए फिल्म KGF से जुड़ी आपकी डायरी में कुछ और पन्ने ऐड करते हैं और आपको फिल्म से जुड़ी चीज़ों की पीछे की कहानी बताते हैं, एंड आई एम श्योर आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं KGF चैप्टर 1 की शुरुआत से, जहां पर हमें एक महिला रमिका सेन नामक, जो इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर होती है, वो KGF के खात्मे के पैमान पर साइन कर रही होती है। अगर आपको मालूम होगा तो इंडिया के अगर पीएम की लिस्ट निकाली जाए तो उनमें से सिर्फ इकलौती महिला कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी हैं। और जब वो पीएम बनी थी तब का टाइम मूवी के टाइम से बिल्कुल मैच खाता है, तो इनका ये एक स्टेपल रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो वो एक मेल कैरेक्टर को भी इसकी जगह रख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी में 24 न्यूज की जो फेस दिखाई गई है उनका नाम होता है दीपा, लेकिन अगर आप CNN IBN के टॉप जर्नलिस्ट का नाम देखेंगे तो उनमें से एक नाम होगा दीपा बालकृष्णन, और वो कर्नाटका से बिलोंग करती है, जहाँ से ये मूवी भी ओरिजिनली बिलोंग करती है। लेकिन वही इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो डेट ऑफ बर्थ रॉकी की फिल्म में दिखाई गई है जब वो लाइसेंस चेक करवाने जाता है, असल जिंदगी में भी उसी किरदार को निभाने वाले यानी कि रॉकिंग स्टार यश की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, यानी कि 8 जनवरी। एक तरफ जहाँ KGF की जान रॉकिंग स्टार यश थे, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के विलन गरुड़ा ने भी लोगों की रूह कपा दी थी।
बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फिल्म में गरुड़ा का किरदार निभाने वाले राम की ये पहली फिल्म थी। क्या आपको पता है कि रामचंद्र राजू कोई एक्टर नहीं थे, वो एक्टर यश के साथ बॉडीगार्ड के तौर पर जुड़े थे और ये रोल उन्हें खुद यश और फिल्म के डायरेक्टर नील ने दिया था। दरअसल राम को एक्टिंग का बहुत शौक है, ये बात यश बहुत भलीभांति जानते थे। तो जब केजीएफ चैप्टर 1 की स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही थी तब पहली बार राम और डायरेक्टर नील मिले थे। डायरेक्टर को राम का अंदाज काफी पसंद आया, उन्होंने केजीएफ के गरुड़ा के रोल के लिए उन्हें ऑफर दिया और कहा कि वो ऑडिशन दे। वहीं ऑडिशंस के लिए भी राम ने खूब मेहनत की, वर्कशॉप्स लिए, जिम में खूब पसीना बहाया और उनकी इसी लगन की वजह से वो आज राम से लेकर गरुड़ा तक के सफर को पूरा करने में कामयाब रहे। खैर, आप हमें बताइए कि आपको फिल्म में गरुड़ा का किरदार कितना पसंद आया, क्या सेकेंड चैप्टर में भी आप उस किरदार को देखना चाहते हैं? आप अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। कौन सी बड़ी बातें शेयर की संजू बाबा ने मीडिया के साथ? क्या कहना है संजू बाबा का अपने कैरेक्टर अधीरा को लेकर? क्या गुजारिश की संजू बाबा ने यंगस्टर से? ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों को जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर केजीएफ से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग और हिडन फैक्ट्स रिवील्ड बाय वन एंड ओनली सुपरस्टार संजय दत्त। जैसे जैसे केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे फैंस के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 2 साल 2018 में आई कन्नड़ की सुपरहिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 का सीक्वल है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि ठाकुर और स्वागत है आपका बॉली बैंड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ 2 से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जो हमें खुद बताए हैं केजीएफ चैप्टर 2 के नायक नहीं खलनायक आका अधीरा के द्वारा। गणेश पूजा के शुभ अवसर पर संजू का सेट पर जजेस के साथ साथ कंटेस्टेंट्स और उनके मेंटर्स द्वारा दिया गया एक ग्रैंड वेलकम। सभी जजेस और कंटेस्टेंट्स काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उसी एक्साइटेड मोमेंट के दौरान संजय दत्त ने कही ये चार बातें जिसने सभी जजेस और कंटेस्टेंट्स को इमोशनल होने पर मजबूर कर दिया था। आइए जानते हैं कौन सी है ये चार बातें। नंबर 1, उन्होंने सभी लोगों से बात करते हुए सबसे पहले कहा कि इस तरह के महान दिन पर यहाँ बुलाए जाने पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान आप सभी को आशीर्वाद दे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से रिलेटेड काफी एक्सपीरियंस और मेमोरीज भी शेयर की। बात करते करते वो थोड़ा इमोशनल हो गए और इमोशनल होकर कहा, मैंने जीवन भर ज्यादा पैसे नहीं कमाए, मैंने जो कमाया है वो है आप सबका प्यार। मुझे बहुत प्यार मिला है और मैंने लाइफ टाइम के लिए कई फ्रेंड्स भी बनाए हैं। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने यंगस्टर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैसेज देते हुए कहा कि मैं हर युवा से हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा कि कृपया मेरे जीवन ना जिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस तरह के जोखिम ना लें। मैं नहीं चाहता कि युवा और आप सभी को किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को पूरे इंडिया में कई डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाला है। आलिम हकीम, केजीएफ 2 में यश को किसने दिया इंटेंस लुक? केजीएफ 2 का कौन सा पोस्टर सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट की घोषणा के बाद फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब फिल्म का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में अभिनेता यश कुर्सी पर बैठे हुए और एक ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में डार्क कलर और दाढ़ी के साथ इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पोस्टर को ट्विटर पर शेयर कर दावा किया है कि फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को तमिलनाडु भाषा के अधिकारों को फेमस प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स को बेच दिया गया है। बता दें कि फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को 16 जुलाई 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण फिल्म की रिलीज डेट को बढ़ा दिया गया था।
हाल ही में फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर नई रिलीज डेट का ऐलान किया था। पोस्ट में लिखा था, राक्षस तभी आएगा जब हॉल गैंगस्टरों से भर जाएगा। उनके आगमन की नई डेट की घोषणा की जा रही है। साथ ही पोस्टर में एक सैनिक भी नजर आ रहा था। पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने लिखा, राक्षस 14 अप्रैल को आने वाला है। लेकिन इसके साथ ही फिल्म में क्या आपको पता है कि यश का ये इंटेंस लुक कैसे आया है सामने? कौन है वो इंसान जिसने ये लुक यश को दिया? तो बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि यश के हेयर स्टाइलिस्ट आलम हकीम का काम है, जो यश को भी पर्सनली काफी टाइम से जानते हैं और यही रियल लाइफ में भी यश के हेयर स्टाइल करते हैं। जब प्रशांत नील को ये पता चला तो उन्होंने यश के हेयर स्टाइलिस्ट को मूवी में रॉकी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई ताकि वो इस पर काम कर सके। बहुत सोचने और समझने के बाद फिल्म आलम हकीम ने यश को ये रूप दिया जो लोगों ने काफी पसंद किया। बता दें फिल्म में साउथ के सुपरस्टार यश अहम रॉकी का किरदार निभा रहे हैं। उनके अलावा अभिनेता संजय दत्त मुख्य भूमिका विलेन अधीरा के किरदार में नजर आने वाले हैं और अभिनेत्री रवीना टंडन भी अहम रोल प्ले करती दिखाई देंगी। फिल्म KGF का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज की गई थी। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। ये पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और चौथी हिंदी में डब की गई फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी। अब KGF 2 अपनी ही फिल्म में बनाए गए कितने रिकॉर्ड तोड़ पाती है ये देखना लायक होगा। आपको क्या लगता है, क्या KGF 2 500 करोड़ या उससे ज्यादा का बिजनेस कर पाएगी? क्या प्रशांत नील की KGF चैप्टर 2 पर लगी लागत वसूल हो पाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और सेफ रहिए। क्या है फिल्म की शूटिंग लोकेशन से जुड़ी की डिटेल्स? क्या होने वाला है KGF 2 का क्लाइमेक्स? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करने वाले हैं फिल्म KGF के अपकमिंग चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि KGF चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी और वर्ल्ड वाइड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। यही रीजन है कि इसका चैप्टर 2 सभी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में मोस्ट एंटिसिपेटेड है। इस फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर यश को भी सिनेमैटिक फैन से काफी रिकॉग्नाइजेशन मिली और अब उनकी गिनती एक रेजिंग सुपरस्टार के तौर पर की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म KGF 2 के शूटिंग लोकेशंस के बारे में। जब से KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई और खबरें आई कि KGF चैप्टर 2 भी जल्द ही आने वाली है, सभी फैंस के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन सी है वो लोकेशन जहां पर KGF 2 की शूटिंग चल रही है। तो आपको बता दें, मार्च 2019 में ही फिल्म का पहला शूटिंग सीक्वेंस हैदराबाद में शूट किया गया था, जो अगले कुछ महीनों तक चला। लेकिन उसके बाद मार्च 2020 में ही COVID-19 के लॉकडाउन की वजह से इसे रोक दिया गया और उसके कुछ ही महीनों बाद यानी अगस्त 2020 में बैंगलोर के कटिवारा स्टूडियो में फिल्म को रिज्यूम किया गया। बैंगलोर के फेमस कोलार गोल्ड फील्ड्स में भी फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की शूटिंग हुई है। KGF 2 के शूटिंग लोकेशंस का सबसे बड़ा हाईलाइट पार्ट था गोवा का दूध सागर वाटरफॉल्स। जी हाँ, इस जगह पर यश के कुछ धमाकेदार एक्शन स्टंट्स की शूटिंग हुई है और जो इस फिल्म के सबसे अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस के तौर पर माना जा रहा है। जी हाँ, बता दे, दूध सागर वाटरफॉल्स इंडिया की सबसे खूबसूरत और एग्जॉटिक लोकेशंस में से एक है और उस लोकेशन पर शूट किया गया है यश का खतरनाक एक्शन स्टंट। कितना थ्रिलिंग होने वाला है, हम इस बात का अंदाजा सिर्फ बातों से ही लगा सकते हैं। जल्द ही फिल्म रिलीज होने वाली है। हम जानते हैं आप सभी इस अपकमिंग फिल्म के लिए बेहद उत्सुक हैं। दोस्तों, किसी भी फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का क्लाइमेक्स, स्पेशली जब फिल्म एक एक्शन थ्रिलर हो। इसीलिए फिल्म मेकर्स कभी अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स को रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन मजे की बात तो ये है कि हम आपको KGF 2 के क्लाइमेक्स की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। बता दें, फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए एक सुपर एक्सपेंसिव सेट का अरेंजमेंट किया गया और सेट को हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में लगाया गया।
क्लाइमेक्स के सीक्वेंस का ये मेन सीन यश और संजय दत्त के बीच एक दमदार एक्शन स्टंट पर बेस्ड रहने वाला है। माना जा रहा है कि ये एक्शन सीक्वेंस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आज तक का सबसे एक्सपेंसिव एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, जो वाकई में ऑडियंस को सरप्राइज कर देगा। डबिंग क्या होती है? सचिन गोले को किसने किया KGF 2 में रिप्लेस? किस आर्टिस्ट ने लाखों कमाए KGF को हिंदी में डब करके? कैसे होता है डबिंग मूवी में? अगर आपकी आवाज में कुछ खास है और आपको लगता है कि आपकी आवाज दूसरों से काफी अलग है, तो आप आवाज की दुनिया में बेहतरीन करियर बना सकते हैं। अगर आप और लोगों से हटके कुछ अलग करियर बनाना चाहते हैं, तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनकर आप ना सिर्फ अच्छा करियर बना सकते हैं, बल्कि दूसरे करियर की अपेक्षा काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। आज फिल्मों से लेकर नाटक, रेडियो, टीवी, विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन फिल्म्स, ऑडियो बुक आदि में डबिंग आर्टिस्ट की काफी मांग रहती है। अगर आप में वो बात है, तो आपकी आवाज आपको एक अलग ही पहचान दिला सकती है। आपको बता दें कि डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आवाज में दम है और आपकी लैंग्वेज पर पकड़ है मजबूत, तो आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप वॉइस आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप में कुछ खास गुणों का होना जरूरी है। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट में वॉइस मॉड्यूलेशन, उच्चारण, भाषा पर पकड़ होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा वॉइस आर्टिस्ट को कैरेक्टर या सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज में बदलाव लाना जरूरी है। जैसे इमोशन और कॉमेडी की जगह पर उस हिसाब से अपनी आवाज का डालना जरूरी है। एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, विभिन्न टीवी चैनल्स, नाटक, रेडियो, टीवी, विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन फिल्म्स, ऑडियो बुक्स आदि में डबिंग आर्टिस्ट के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ डबिंग आर्टिस्ट साउथ की फिल्मों का हिंदी वर्जन तैयार करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब चाहे वो बाहुबली हो या फिर KGF की सीरीज या कोई और साउथ की मूवी, सब में हिंदी में डब करने के लिए आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। बता दें KGF को हिंदी में डब करने के लिए भी ऐसे ही आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दे दी थी। वो नाम है सचिन गोले। जी हाँ, KGF के कुछ डायलॉग जैसे घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी भयानक होती है। जैसे दमदार डायलॉग हिंदी में यश ने नहीं बल्कि सचिन गोले ने बोले हैं। चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है, ये भी इनकी ही आवाज में ढांसू बना है। और वो वाला तो डायलॉग आपको याद ही होगा, ट्रिगर पर उंगली रखने वाला हर शख्स शूटर नहीं होता, लड़की पर हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपुन की औकात अपने चाहने वालों के अलावा कोई समझ नहीं सकता। सचिन गोले के बोलने पर ही सबकी जुबा पर चढ़ा है। साल 2018 की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 जबरदस्त स्टोरी और दमदार डायलॉग से हिट हुई थी, लेकिन एक्टर यश के रूप में दमदार डायलॉग को हिंदी में सचिन गोले ने अपनी आवाज दी थी। डबिंग आर्टिस्ट सचिन की आवाज यश के साथ इतनी मिलती है कि फिल्म का एक एक डायलॉग जान फूंकता नजर आता है। लेकिन अब आगे आने वाली KGF 2 के हिंदी डब में भी हमें यश की आवाज में सचिन गोले को सुनने का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप जब भी KGF को देखेंगे तो सचिन गोले को तो जरूर याद करेंगे, लेकिन KGF 2 के डबिंग स्टार को भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। जी हाँ, KGF 2 में हमें रॉकी की आवाज में संकेत म्हात्रे सुनाई देंगे। अब दोनों में से कौन होगा बेस्ट फॉर रॉकी की आवाज, आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। अभिनेत्रियों ने अपने से उम्र में बड़े हीरो की मां बनने का स्वीकारा। रवीना टंडन परिश्वा
के टीजर पर फैंस का प्रशांत नील ने क्यों जताया आभार। केजीएफ के रॉकी भाई ही नहीं, अदीरा भी क्या एंट्री मारेगा तशन में। अक्षय के बाद क्यों दूसरे नंबर पर हैं यश की केजीएफ 2? जानने सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियो की पूरी दुनिया में करती हूँ आपका स्वागत। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार यश की केजीएफ 2 का इंतजार दर्शकों के बीच बहुत ही बेसब्री से हो रहा है। ये फिल्म जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से ये सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई है। फिल्म के निर्माताओं ने कुछ महीनों पहले केजीएफ 2 का टीजर जारी करके फैंस को रिलीज के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कोरोना ने फैंस और निर्माताओं दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बता दें कि महीनों पहले रिलीज हुए टीजर पर कुछ जादू हुआ है। इस पर फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कुछ देर पहले ही ट्विटर पर केजीएफ 2 का टीजर शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया कहा है। केजीएफ 2 के टीजर ने 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रशांत नील ने फैंस को टीजर पर इतना प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद कहा है। प्रशांत नील ने ट्विटर पर लिखा है, आप सभी ने फिल्म के टीजर को जो प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया। फिल्म वैसे तो सबको पता है कि फिल्म केजीएफ 2 में यश का मुकाबला संजय दत्त के साथ है, जो बॉलीवुड के खलनायक माने जाते हैं। संजय दत्त ने केजीएफ 2 के लिए अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है। केजीएफ 2 से सामने आया संजय दत्त का फर्स्ट लुक दर्शकों को बहुत पसंद आया है। सुनने में आ रहा है कि केजीएफ 2 में संजय दत्त की एंट्री एक शानदार गाने पर होगी, जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। संजय दत्त के अलावा केजीएफ 2 में रवीना टंडन भी अहम भूमिका निभाती दिखेंगी। रवीना टंडन काफी समय के बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं, जिस कारण दर्शक काफी एक्साइटेड हैं।
अगर KGF 2 की रिलीज की बात करें तो यह धीरे धीरे मिस्ट्री बनती जा रही है। शायद अक्षय की सूर्यवंशी के अलावा यश की मूवी KGF 2 तारीख को आगे बढ़ाने में पहले नंबर पर है। रिलीज जल्दी नहीं हुई ये फिल्म तो यश के चाहने वालों के पेशेंस में जरूर कमी आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप अपने फैंस को इतना इंतजार नहीं करवाएंगे। क्या यश को मिलेगी डबल रकम? कैसे होगी यश की चांदी चांदी? मेकर्स ने कैसे ऑफर्स मिल रहे हैं यश को? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। और आज हम बात करने जा रहे हैं KGF चैप्टर 1 से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है। तो उन सारी बातों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। KGF चैप्टर 1 की ब्लॉकबस्टर सफलता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि यश महज अब सिर्फ एक सैंडलवुड स्टार बनकर नहीं रह गए हैं। एक्टर ने अपनी फैन फॉलोइंग से आज नेशन को भी क्रॉस कर दिया है, जिसका साफ सीधा असर KGF 2 पर दिखाई देगा। इतना ही नहीं, यश खुद भी अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी से खास वाकिफ हैं और उन्होंने KGF 2 के लिए मेकर से एक भारी रकम की मांग भी की है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि KGF उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी सफलता थी, खास करके हिंदी वर्जन। KGF 1 के लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए की मांग की थी, अब KGF 2 के लिए वो और भी ज़्यादा मांग कर रहे हैं। हालांकि KGF 1 की पेमेंट उन्हें रिलीज़ के बाद ही मिली थी, लेकिन अब सीक्वल की बात करें तो KGF 2 के लिए अपनी फ़ीस सीधे सीधे डबल कर दी है उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, यश ने फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे मेकर्स ने मना भी नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेकर्स ने इसके अलावा यश को ऐसे भी प्रोमिसज किए हैं जो वाकई लाजवाब हैं। दरअसल मेकर्स ने उन्हें थिएटिकल बिजनेस में से होने वाले टोटल प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा देने का भी शेयर की बात की गई है। उन्हें ये चीज़ ऑफर में मिली है, यानी अब यश के लिए ये एक सोने की खान है, क्योंकि सभी जानते हैं आने वाली ये फिल्म KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर आतिशबाजी लेने वाली है श्योर शॉट की तरह से। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब फिल्म थिएटर में चली जाएगी तो कमाई के रूप में बड़े बड़े फिगर्स सामने आएगी। और ऐसा लगता है कि इस बार तो मेकर्स भी यह बात जानते हैं, तभी तो इतना चिल से अभी तक ये कहा जा रहा है कि KGF 2 यश की तरह एक जैकपॉट के रूप में सामने आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर KGF 2 भी पिछली फिल्म जैसा शो इस बार कर पाती है तो यश को कन्नड़ा सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह फिल्म इस समय की सबसे बड़ी एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त, श्रृंदी शेट्टी, रवीना टंडन जैसे और भी कई सारे स्टार्स मौजूद होने वाले हैं। ये फिल्म कन्नड़, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल जैसी 5 लैंग्वेजेस में 17 दिसंबर को रिलीज़ की जाने वाली है। फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कि हुए ब्लैकलिस्ट रीना की कॉन्टैक्ट लिस्ट में, क्या संजय दत्त को लेनी पड़ी विक्स की गोली अपने गले की खिच खिच को दूर करने के लिए? और क्यों फिल्म मेकर को ही धमकी दे डाली रॉकी भाई के फैंस ने? जानने हैं सभी मजेदार सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अनविता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूं आपका स्वागत। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, KGF के रॉकी भाई इस समय हॉलीवुड के रॉकी यानी कि सिल्वेस्टर स्टैलोन की सलाह मशवरा कर रहे हैं कि कैसे आपने पंचेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन जैसे ही ये बात बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के कानों तक पहुंची, उन्होंने दहाड़ मारी ट्विटर पर और लिख दिया एक ट्वीट अपने प्यारे चहेते आइडल को। दरअसल रैम्बो बनाने की खबर सामने आई है, जिसमें टाइगर श्रॉफ को बतौर अभिनेता लेने की खबर भी सामने आ चुकी है। फिल्म से जुड़ा एक फैन मेड पोस्टर भी देखा गया है, जिसमें टाइगर सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह रेड हेड बैंडाना पहने, फुल बॉडी पर ऑयल लगाए, धूल मिट्टी को अपने जिम फिट बॉडी पर चिपकाए नजर आए। कई दर्शकों ने उनके लुक को पसंद भी किया तो कईयों का कहना था कि वो ही मैन के एक्शन फिगर की तरह नजर आ रहे हैं। वहीं आपका क्या कहना है इस बारे में? और तो और, जब बॉलीवुड रैम्बो की बात हॉलीवुड रैम्बो के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भी ट्विटर पर अपना हाले दिल बयान किया और बहुत ही प्यार से बॉलीवुड को शुभकामनाएं देते हुए कहा, भाइयों मेरी फिल्म का फालूदा मत कर देना, क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लगते हैं और बिगाड़ने में अर्णब गोस्वामी की कही बस एक बात, फिर क्या था। बाल ठाकरे की तरह रैम्बो के हीरो टाइगर ने कर लिया फिल्म से पैकअप और उसके बाद ये फिल्म पहुंची सीधा अपने रॉकी भाई के पास। लेकिन रॉकी भाई ने भी कसम खाई हुई है, जब तक बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आखिर वादा माँ से किया था 3 साल पहले और जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा।
रॉकिंग स्टार कहे जाने वाले अभिनेता यश, जो पिछले 3 सालों से दाढ़ी नहीं कटवा पा रहे हैं ताकि दर्शकों ने रॉकी भाई की जगह यश ना बोलने लग जाए, ऐसे में वो कैसे रैम्बो के लिए हामी भर देते। तो फिर हुआ वही जो मंजूर प्रशांत नील होता है। प्रशांत नील जो केजीएफ की सक्सेस में इतने डूबे हुए थे कि वो अपनी फिल्म सालार के बारे में लगता है भूल ही गए हैं, तभी तो फिल्म को लेकर कोई नई खबर नहीं आ रही है। वहीं अमीर होने की जिद ने रॉकी को इतना पागल कर दिया है कि वो अपनी फिल्म के टीजर में नो स्मोकिंग की वार्निंग देना ही भूल गए, या वो भूले नहीं थे बल्कि इतने राउडी बन गए हैं कि अब वो एंटी टोबैको सेल की भी नहीं सुनते। लेकिन फिल्मों और असलियत में काफी अंतर है मामू। तभी फिल्म के इतने व्यूज और लाइक्स पाने के बाद इसे डिलीट करके दोबारा से अपलोड किया गया यूट्यूब पर, यानी इस बार एंटी स्मोकिंग की गुहार के साथ। वहीं फिल्म के फैंस पर रॉकी भाई का इतना गहरा असर हुआ है कि वो फिल्म मेकर्स को ही केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट डिक्लेयर करने की भूल दे रहे हैं। जी हाँ, एकदम बोले तो धमकी। लेकिन बेचारे फिल्म मेकर्स भी क्या करें, अब पैन इंडिया प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें बॉलीवुड के एक्टर्स को लाएंगे और ढेर सारी भाषाओं में रिलीज करने का भी जिम्मा उठाएंगे, वो भी इन पैनडेमिक में। साथ ही साथ दर्शकों को हर बार सॉरी बोलकर रिलीज डेट को आगे खिसकाएंगे, तो धमकी नहीं तो क्या फूलों की माला चढ़ेगी इन फिल्म मेकर्स पर। लेकिन ताजा खबर ये है कि सारा कामत का है अधीरा की आवाज पर। अरे नहीं भाई, संजय दत्त का गला एकदम ठीक है। मामला दरअसल ये है कि अधीरा का कन्नड़ वॉइस ओवर अभी तक बीच में ही लटका है, जिस वजह से फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में फंसी हुई है और फिल्म में एक इंटेंस डार्क और स्लो सॉन्ग होगा जो सिर्फ और सिर्फ अधीरा की एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई वाह, सलाम रॉकी भाई के बाद अब वनक्कम अधीरा होने वाला है क्या? और क्यों, संजय के किरदार को इतनी अटेंशन दी जा रही है? इसके पीछे का राज है काला झंडा। जी हाँ, टीजर अगर अपने देखा हो तो अधीरा अकेले नहीं लौट रहा है केजीएफ में, बल्कि पूरी की पूरी आर्मी लेकर लौट रहा है, जिसकी तादाद इतनी है जितनी कि केजीएफ के चैप्टर 1 की पूरी क्रू समझ लीजिए। और जब ऐसा लीडर फिल्म में एंट्री लेगा तो क्या बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के लेगा? अजी नहीं, ढोल ताशे और नगाड़ों के साथ होगी अधीरा की एंट्री। साथ ही इस आर्मी ने थामा है काला झंडा। अब दूर से तो झंडा ही लग रहा है, पास से तो ट्रेलर में देखकर ही पता चलेगा इस डंडे पर झंडे का राज। जहां चैप्टर 1 में रॉकी के सामने सिर्फ एक ही मेन विलेन था, वहीं इस बार रॉकी की समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। यानी पहले अधीरा से निपटना होगा, फिर इनायत खलील का सामना करना होगा और फिर ये बिकी हुई गवर्नमेंट को भी अपनी ओर करना होगा। लेकिन काफी पुरानी कहावत है 2020 की कि लड़की पर कभी विश्वास नहीं करने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। लेकिन रिस्क तो रॉकी भाई ने ले लिया रमिका सेन पर भरोसा करके, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने टिप टिप पर सा पानी का वीडियो देखा था। अब लड़खड़ाते कदमों को बैसाखी का ही सहारा था, तो रॉकी भाई की गर्लफ्रेंड वीना ने उन्हें संभाला तो, लेकिन अंत में जीत रमिका की ही हुई, क्योंकि शहर की लड़की ने शहर के लड़के को पुलिस वालों के हाथों मरवा दिया, जिसके बाद रीना और रमिका ने वुमेन एम्पावरमेंट का स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाकर फिल्म की एंडिंग कर दी। चलिए ये तो बस एक मजाक की बात थी, लेकिन क्या फिल्म में सही में रमिका रॉकी के खिलाफ होंगी या फिर साथ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के स्क्रिप्ट राइटर हैं सिमरन रावत, दिस इज अनिता साइनिंग ऑफ, सायोनारा। शूट लोकेशंस के चैलेंजेस, दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बड़ी ही खास मूवी के खास एलिमेंट के बारे में, और वो भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी केजीएफ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आइए सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो में, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस मूवी में दोस्तों 4 चांद लगाने वाले सफल शूट लोकेशंस और उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। केजीएफ मूवी साल 2018 की कन्नड़ फिल्म थी जिसने लोगों का दिल जीता, चाहे वो अपनी सिनेमाटोग्राफी से हो, डांस से हो, म्यूजिक से या डायलॉग से। दोस्तों केजीएफ के हर पहलू ने ऑडियंस के दिलों में अपनी खास और इंटरेस्टिंग पहचान बनाई। हर मूवी में 2 तरह के लोकेशंस होते हैं, लाइव लोकेशंस और स्टूडियो लोकेशंस। बात अगर इस मूवी के खास शूट लोकेशंस की जाए तो दोस्तों फिल्म कई सारे लोकेशंस और पार्ट्स में शूट हुई थी, जैसे कि कोलार, मैसूर और नॉर्थ कर्नाटका के पार्ट्स में भी। मूवी को रियल फील देने के लिए दोस्तों ये मूवी कोलार के गोल्ड फील्ड्स पर शूट की गई, कर्नाटका के डस्टी और गोल्ड माइनिंग सेट पर शूट हुई, साथ ही दोस्तों चेन्नई के शिप हार्बर्स पर और कोलार माइंस फील्ड्स पर भी ये मूवी शूट हुई थी।
जब फिल्म की 50% शूटिंग खत्म हो गई थी तब फिल्म का सेट बारिश की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन फिर से तब शुरू हुई जब फिल्म सेट को वापस से बनाया गया और दोस्तों फिल्म के सेट के लिए काफी बड़े स्पेसेस चूज की गई थी। आर्ट डायरेक्टर शिवा कुमार ने कोलार गोल्ड फील्ड्स को रिक्रिएट किया वीएफएक्स इफेक्ट्स की मदद से और दोस्तों एक्टर यश का कहना था कि फिल्म के एक एक सीन के बाद ही शूट करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि दोस्तों बता दें कि वहां पर तेज हवा और बारिश जमकर होती थी। अगर हम फिल्म को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से देखें तो फिल्म का हर एक सेट चाहे वो फिल्म सेट हो या फिर लाइव लोकेशन हर लोकेशन की एक लाइव और खास फीलिंग थी। दोस्तों फिल्म के सेट ग्रैंड बड़े और काफी स्पेशियस हैं जो कि फिल्म को एक जिजांटिक फील देते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म के खास लोकेशन से जुड़े सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा लगा है। कौन सी बड़ी मांग, कौन सा बड़ा सरप्राइज मिल सकता है केजीएफ फैंस को दशहरा पर? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाबों को जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निधि ठाकुर और स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बड़े सरप्राइज के बारे में जो जल्दी ही मिल सकता है केजीएफ के फैंस को। हमें मिली जानकारी के मुताबिक दशहरा पर केजीएफ फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज सामने ला सकती है केजीएफ की टीम। तो क्या है ये बड़ा सरप्राइज, आइए देखते हैं इस वीडियो में। साउथ इंडियन एक्टर यश की केजीएफ चैप्टर 2 साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म है। हालांकि रिलीज का इंतजार अभी भी जारी है लेकिन फैंस अपने फेवरेट रॉकिंग स्टार यश भाई को फिर से एक बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब है। केजीएफ चैप्टर 2 का क्रेज भी इतना बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया हर दिन केजीएफ 2 पर हैशटैग से गुलजार हो रहा है। आपको बता दें हाल ही में रॉकिंग स्टार यश को एयरपोर्ट पर देखा गया था। वहां पर वे कई फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए और पेपराजी को पोज देते हुए एक अलग अंदाज में नजर आए। बाद में उन्हें मुंबई की रोड पर भी देखा गया। स्क्रीन पर उनके स्वैग, स्टाइल और तौर तरीकों ने पहले ही पैन इंडिया फिल्म फैन व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया है लेकिन अब उनकी रियल लाइफ लुक्स भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, जिससे पता चलता है कि रॉकी भाई रियल लाइफ में भी वही स्टाइल और स्वैग कैरी करते हैं। यश के इस लुक को पसंद करने वाले फैंस ने उन्हें रियल बॉस कहा और अनुमान लगाया कि यश, संजय दत्त और रवीना टंडन अभिनीत केजीएफ 2 भारत में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन जाएगी। हाल ही में केजीएफ 2 के मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि फिल्म अगले साल 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में उतरेगी। इंस्टाग्राम पर एक नए पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर यश ने पोस्ट को कैप्शन दिया, हम 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में उतरेंगे। प्रशांत नील की डायरेक्टेड मूवी केजीएफ चैप्टर 2 2018 में रिलीज होने पर फिल्म इंडस्ट्री में तूफान ला दिया था। अब सबकी नजर केजीएफ के दूसरे पार्ट पर है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त अगले पार्ट में अपोजिशन का रोल निभाते हुए नजर आएंगे जबकि केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट में ऑलरेडी इतना लेट होने के बावजूद फैंस के एक्साइटमेंट में कोई भी गिरावट नहीं आई है लेकिन ऐसा लगता है कि फैंस केजीएफ की दूसरी इंस्टॉलमेंट में केजीएफ के मेकर्स की तरफ से एक बड़े सरप्राइज की होप कर रहे हैं। हमें मिली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजीएफ 2 का फर्स्ट सिंगल दशहरा तक रिलीज होगा लेकिन इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि केजीएफ 2 के मेकर्स फैंस की डिमांड फुलफिल करते हैं या नहीं। केजीएफ 2 से लोगों की क्या क्या उम्मीदें हैं? केजीएफ 2 का लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? केजीएफ 2 के डिले होने का क्या रीजन है? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जिसने रिलीज से पहले ही लोगों के दिलों और दिमाग पे अपना कब्जा जमा लिया था। जी हाँ दोस्तों, इसके दूसरे पार्ट का लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि ये साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म कहलाएगी। हम बात कर रहे हैं प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई केजीएफ 2 की।
ये फिल्म एक कन्नड़ लैंग्वेज पीरियडिक ड्रामा फिल्म है जिसे रिलीज किया जाएगा 5 भाषाओं में यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में। यश ने इस फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया था। लोग इस फिल्म के दीवाने हो चुके थे और यश के भी। अब इस फिल्म के रिलीज होने का वक्त आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी 23 अक्टूबर 2020 को, लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते इस फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया। अभी हाल ही में ही 21 जनवरी 2021 को ही इनके फिल्म मेकर्स ने बताया है कि अब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है 16 जुलाई 2021 को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शायद इस फिल्म की रिलीज डेट फिर से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन आज हम आपको एक खबर देने वाले हैं इस फिल्म के रिलीज डेट पोस्टपोन होने की बात। जी हाँ दोस्तों, ये ऑडियंस के लिए एक बहुत दुखदायक खबर है, लेकिन इस फिल्म के एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया है कि इस फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ेगा कुछ टेक्निकल इश्यूज ठीक करने के लिए। और फिल्म मेकर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म को रिलीज की डेट इसलिए पोस्टपोन की जा रही है क्योंकि कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन ठीक नहीं है और सेफ्टी भी बहुत मायने रखती है। और जब तक कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है तब तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा। और जब तक ये फिल्म सिनेमा हॉल पर रिलीज नहीं हो जाती है, ये लोगों के लिए बहुत दुखदायक खबर है। और कुछ लोग इस डिसीजन से खुश भी हैं और कुछ निराश हैं क्योंकि वो अपने एक्टर्स को बहुत ज्यादा देर से देखना चाहते थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस फिल्म के रिलीज का। लेकिन आप कहीं ना जाएं, हम आपके लिए और भी बहुत सारी चटपटी खबर लेकर आएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए अलविदा। किसे दिए जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स? आखिर कितनी है रॉकी भाई यश और अधीरा यानी कि संजय दत्त की KGF चैप्टर 2 के लिए सैलरी? कितने में बिके हैं KGF चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। साउथ स्टार यश की सुपरहिट फिल्म KGF चैप्टर 1 के मेगा सक्सेस के बाद फिल्म का सेकेंड पार्ट यानी KGF चैप्टर 2 भी जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाला है। जी हाँ, जब से इस बारे में अनाउंसमेंट हुई है KGF के फैंस तो मानो खुशी से झूम ही उठे हैं। KGF चैप्टर 2 के रिलीज के लिए साउथ बेस्ड जी चैनल्स के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। KGF चैप्टर 2 के साउथ सैटेलाइट राइट्स जी कन्नड़, जी तेलुगु, जी तमिल और जी मलयालम को रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए हैं। KGF चैप्टर 2 जब बनाई जा रही थी उस वक्त किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, साथ ही इसकी सैटेलाइट राइट्स इतने करोड़ों में बिकेगी। रॉकी भाई यानी कि यश ने इस फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन रॉकी भाई का कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि KGF चैप्टर 1 से ज्यादा लोग रॉकी भाई के कैरेक्टर को आज भी याद करते हैं। इसी से खुश होकर रॉकी यानी कि यश को 15 करोड़ की जगह 30 करोड़ का चेक दिया गया। अब फिल्म के सेकंड सीक्वल के लिए भी यश डबल चार्ज कर रहे हैं। यश के बाद उस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का। जी हाँ, संजय दत्त इस अपकमिंग फिल्म में अधीरा का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है। और अपने इस किरदार के लिए संजय दत्त ने करीब 9 करोड़ रुपए लिए हैं। इस फिल्म से काफी सारी उम्मीदें हैं दर्शकों को और साथ ही मेकर्स को भी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने KGF के पहले भाग को प्यार दिया था, उससे भी दुगुना प्यार KGF चैप्टर 2 को भी मिले। KGF के पहले भाग को देखने के बाद ऑडियंस के मन में कई तरीके के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर KGF पर राज किसका होगा? तो दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब आपको अपकमिंग फिल्म KGF 2 में मिल जाएगा। बस थोड़ा और इंतजार और करना है। फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच इतनी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है कि शायद इसी वजह से KGF के चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट को इतने महंगे तर्ज पर बेचा गया है। आप सभी कितने ज्यादा उत्साहित हैं KGF चैप्टर 2 के लिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। किस खबर से चौंके KGF फैंस? क्यों हुआ मूवी का रीशूट? ऐसे ही तमाम KGF से जुड़े सवालों के जवाबों को जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। रॉकिंग स्टार यश की KGF चैप्टर 2 इन दिनों काफी सुर्खियों में है और आए दिन हम इसके बारे में कोई ना कोई नई न्यूज सुनते ही रहते हैं। लेकिन हमें फिलहाल में एक ऐसी न्यूज़ के बारे में पता चला है जिस पर शायद आपका विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या न्यूज़ है,
तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निधि ठाकुर और स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। KGF चैप्टर 2 2018 की फिल्म KGF चैप्टर 1 का सीक्वल है। आपको बता दें, KGF की पहली फिल्म दुनिया भर में सनसनी बन गई थी और इसे खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर से लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यश के साथ साथ KGF 2 में बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त यानी हमारे संजू बाबा और बॉलीवुड की टिप टिप बरसा पानी गर्ल यानी कि हमारी रवीना टंडन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। KGF 2 को अगले साल 14 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज करने की अनाउंसमेंट की गई है। फिल्म लंबे समय से पोस्ट प्रोडक्शन के अधीन है और सभी को लगा फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होकर रैप अप भी हो चुकी है। हालांकि लेटेस्ट अपडेट्स ये इशारा दे रही है कि KGF 2 यूनिट ने बैंगलोर में एक फाइट सीक्वेंस की शूटिंग अभी पूरी की है। ये वास्तव में KGF 2 फैंस और वेलविशर्स के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि सभी को लगा था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। KGF 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील की सालार में चले गए और इस फिल्म की शूटिंग तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है। इस फैक्ट को देखते हुए ये एक वास्तविक आश्चर्य की बात है कि KGF 2 की शूटिंग अभी भी शूटिंग के स्टेज में ही है। अब इस बात की पुष्टि तो खुद टीम के मेंबर्स ही दे सकते हैं, लेकिन आप इस बात पर क्या सोचते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बॉलीवुड जगत की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ में। क्यों भड़के KGF फैंस? रॉकी भाई के कैरेक्टर के लिए यश थे दूसरी पसंद। कौन था फिर रॉकी भाई के रोल के लिए पहली पसंद? KGF चैप्टर 1 वास्तव में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बेंचमार्क फिल्म बन गई है। इस बीच हर गुजरते दिन के साथ फैंस के बीच KGF चैप्टर 2 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि ठाकुर और स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF 2 से जुड़े कुछ ऐसे राज के बारे में जो ना तो आपने सुने होंगे ना आपने सोचे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रशांत नील की KGF सीरीज ने अब तक अपनी एक अलग दुनिया बना ली है, जिसे KGF 2 के ऑफिशियल टीजर के द्वारा सेट किए गए रिकॉर्ड से आसानी से पता लगाया जा सकता है। रॉकिंग स्टार यश एक पैन इंडिया एक्टर बन गए हैं, वहीं प्रशांत नील की काउंटिंग अब ए लिस्टेड डायरेक्टर्स में होने लगी है। इसके अलावा KGF चैप्टर 1 के माध्यम से एक्टिंग की शुरुआत करने वाले गरुण अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर्स में से एक हैं। व्यूअर्स को फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और उसकी प्रेजेंटेशन का हुनर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। KGF के सिनेमाटोग्राफर भुवन ने भी फिल्म के लिए बड़ा पेमेंट पाकर पॉपुलैरिटी हासिल की। जहां सभी फैंस KGF 2 अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं फैंस इस फिल्म का निर्माण से जुड़े हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि हाल ही में होमले फिल्म्स के डायरेक्टर और KRG कनेक्ट के फाउंडर कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर की, जो फिल्म के फैंस के साथ अच्छी नहीं रही और जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा भी हुआ। कार्तिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पिक्चर शेयर की जिसमें लिखा था, रॉकिंग स्टार यश नहीं, ये मंचू विष्णु थे। प्रशांत नील ने पहले मंचू विष्णु को KGF सुनाया, लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के करीबी सूत्रों से सुना कि विष्णु मांझी ने ये कहा है, अगर सच है तो मैं दोहराता हूँ, इसमें 0% सच्चाई है। प्रशांत अब तक विष्णु से एक बार भी नहीं मिले हैं, हालांकि बाद में उन्होंने माफी के नोट के साथ ट्वीट को हटा दिया। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन या क्लियरेंस नहीं आया। कई यूजर्स ने सिनेमाटोग्राफर को फटकार भी लगाई। यहां तक कि ये भी क्लियर नहीं है कि यश के बजाय रॉकी भाई के किरदार के लिए अभिनेता विष्णु पहली पसंद थे या नहीं, या क्या तेलुगु अभिनेता ने ऐसा कोई बयान दिया भी था या नहीं।
हालांकि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए माफी मांगने के बाद कई लोगों ने कार्तिक की तारीफ भी की। एक इंटरव्यू में प्रशांत ने खुलासा किया था, पैन इंडिया मार्केट के लिए सबसे पहले आपको एक बड़े बजट और एक बड़े स्टार की जरूरत होती है, इसलिए यश ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। मैंने उनकी फिल्में पहले देखी थी और मैं उनका फैन था, इसलिए जब आप किसी एक्टर के फैन होते हैं तो उनके साथ काम करना आसान होता है। इसलिए इन्हीं सभी पहलुओं पर विचार करते हुए ये कहा जा सकता है कि तेलुगु एक्टर विष्णु के बारे में इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग थी और यश केजीएफ के लिए पहली पसंद थे। तो आप बताइए, क्या आप तैयार हैं एक बार फिर से रॉकी भाई का जलवा देखने के लिए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल क्या पोस्ट कर रही हैं अपने सोशल मीडिया पर? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट पंखुरी। दोस्तों, किसी भी स्टार के बारे में अगर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका सोशल मीडिया खंगालना एक काफी वाइज चॉइस हो सकता है। क्या नहीं होता एक स्टार के सोशल मीडिया पर? उस स्टार का कोई लेटेस्ट वर्क या फिर कोई अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट, कोई टीवी कमर्शियल या फिर कोई शो जिसका वो पार्ट बने हो, या फिर कोई नई दिलचस्प बात जो स्टार्स शेयर करना चाहते हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रमोशंस भी सोशल मीडिया पर आराम से हो जाते हैं, इसीलिए आज के जमाने में सोशल मीडिया को एक वरदान माना जा सकता है जिसके बिना शायद से लोगों को अपनी जिंदगी में थोड़ी कमी महसूस होगी। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। बात करेंगे KGF 2 के स्टार कास्ट और उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर। तो जिन स्टार्स की यहाँ बात करी जाएगी वो हैं अपकमिंग मूवी KGF 2 के स्टार्स, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव दिख रहे हैं अपनी अपकमिंग मूवी KGF 2 को प्रमोट करने के लिए। शुरुआत करते हैं यश से। तो यश आजकल काफी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं। यश ने हाल ही में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी, जहां पर कुछ ऐसा देखने में लग रहा था कि यश अपने बच्चों की बात काफी ध्यान से सुन रहे हैं, जो कि काफी क्यूट लग रहा था। यश अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने डॉटर्स डे के दिन अपनी बेटी के साथ पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी बात करते हुए सुन सकता हूँ, तुम मेरे दिल का एक अनमोल टुकड़ा हो। यश अपनी फैमिली को कभी भी अपना प्यार दिखाने में नहीं झिझकते। यश जोरों शोरों से फिल्म के प्रमोशन में भी लगे हुए हैं और इसीलिए वो काफी फ्रीक्वेंटली KGF 2 के पोस्टर्स शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, ताकि लोगों में पोस्टर्स को देखकर KGF 2 के एक्साइटमेंट बनी रहे। अगर दूसरी ओर बात की जाए संजय दत्त की, तो संजय ने अपने डेब्यू एक्सपो की पिक्स भी ड्रॉप की थी हाल ही में एंड उसके साथ साथ ही अपने एक एडवर्टीजमेंट से भी रिलेटेड पोस्ट शेयर किया, जो कि था विलन परफ्यूम का। संजय दत्त हमेशा से ही गांधी जी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, इसीलिए उन्होंने गांधी जयंती पर गांधी जी वाली एक पिक्चर भी शेयर की थी और कैप्शन में लिखा, उस इंसान के लिए जिसने हम सबको सिखाया। साथ ही संजय दत्त भी KGF 2 की प्रमोशन के लिए पोस्टर शेयर करते रहते हैं और कमेंट सेक्शन में भी फैंस से इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ ही रवीना टंडन की बात करें तो वो आजकल अपने शेड्यूल के चलते अपना टाइम फैशन मॉडलिंग में दे रही है। उन्होंने कई सारे पोस्ट शेयर किए हैं जिसमें वो सेट्स पर रेडी हो रही थी या फिर अपना फोटोशूट करा रही थी। रवीना ने अपने हेयर में भी एक चेंज किया है, जिसकी पिक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। रवीना अभी अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज में KGF 2 को प्रमोट करते हुए भी दिख रही हैं एंड वो फ्रीक्वेंटली KGF 2 के टीजर या पोस्ट या स्टोरीज डालती रहती हैं। श्रीनिधि अभी अपने काफी टाइट शेड्यूल की वजह से सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो जब भी सोशल मीडिया को टाइम देती हैं तब वो KGF 2 के बारे में लोगों को कन्वे करना नहीं भूलती। तो ये है KGF 2 की स्टार कास्ट की कुछ लेटेस्ट सोशल मीडिया एक्टिविटीज। अगर आप और कोई नई अपडेट इन स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इस मूवी के रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और ऐसी ही मूवीज से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। और क्या KGF 2 में हमें इस बॉलीवुड सिंगर का भी एक सॉन्ग सुनने को मिल सकता है? हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी यानी कि KGF 2 पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री की आने वाली नेक्स्ट बादशाह यानी कि यश और उनकी मच अवेटेड मूवी KGF 2 की। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी
कुछ दिनों पहले जब दोस्तों यश ने मुंबई में इस मूवी से जुड़े फर्स्ट लुक को फैंस के बीच रिलीज किया तो फैंस ने इस मूवी में उनके लुक को काफी पसंद किया और साथ ही मुंबई में उनके घर के बाहर फैंस की काफी बड़ी भीड़ लग गई थी। और दोस्तों ये भीड़ देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि सिक्योरिटी को आना पड़ा उनके घर के बाहर और दोस्तों तब जाकर ये मैटर कहीं शांत हो पाया। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केजीएफ 2 में हमें इस एक्ट्रेस का एक कैमियो अपीयरेंस देखने को मिल सकता है और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि अनुष्का शेट्टी हो सकती हैं। और दोस्तों जरूर उनके होने से इस मूवी को काफी ज्यादा फायदा ही होगा क्योंकि अनुष्का शेट्टी टॉलीवुड की सबसे फेमस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में एक है और दोस्तों साथ ही इस मूवी में उनके होने से फैंस का इंटरेस्ट फिल्म के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे वो हमें इस मूवी के पहले बाहुबली 2 में भी प्रभास के साथ नजर आ चुकी हैं और उनको फैंस ने काफी पसंद भी किया था उस मूवी में और दोस्तों इसलिए वैसे ही परफॉर्मेंस एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों अभी इस न्यूज को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है पर ऐसा होने के चांसेस लग रहे हैं। अगर हम बात करें कि आखिर कौन है वो फेमस बॉलीवुड सिंगर जो इस मूवी में कुछ सॉन्ग्स को गाते हुए नजर आ सकते हैं, दोस्तों कुछ खबरों के अनुसार इस मूवी में हमें शंकर महादेवन की आवाज सुनने को मिल सकती है और उनके सॉन्ग्स को केजीएफ 2 में सुनने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पर दोस्तों अब ये देखने लायक होगा कि क्या फैंस की डिमांड पूरी होगी या नहीं। तो चलिए अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं अनुष्का शेट्टी को इस मूवी में देखने के लिए। एंड दोस्तों अगेन इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। हुआ केजीएफ 2 का एनकाउंटर सीन शूट, रॉकी और अधीरा ने क्या सच में हाथापाई की, रवीना का कैसे जुड़ा है फाइट सीन से कनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखरी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा मांग वाली फिल्म यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 की, जिसमें बात करेंगे यश के एनकाउंटर सीन की। जिस सीन में संजय यानी कि अधीरा, यश यानी कि रॉकी और रमिका से इनकी सेना यानी बहुत सारी पुलिस जो कि रॉकी का फिल्म में एनकाउंटर करने के लिए शामिल होंगे, सीन पर पहुंचने से पहले आपको बता दें कि प्रशांत नील की आने वाली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, लेकिन कोई भी फिल्म धमाकेदार एक्शन और हाथापाई के बिना बेहतर एक्शन थ्रिलर कैसे हो सकती है। हाँ, तो अब बात करते हैं इस फिल्म के एनकाउंटर सीन की। यश के एनकाउंटर से पहले इसमें लड़ाई दिखाई जानी थी जो कि रॉकी और अधीरा के बीच थी। अब किसी भी एक्शन सीन को रियल दिखाने के लिए एक्टर्स को एक्टिंग करते समय पूरी आजादी मिलनी चाहिए और कुछ ऐसा ही हुआ जब फिल्म में एनकाउंटर सीन की शूटिंग हो रही थी। दरअसल इस सीन को एनर्जी देने के लिए डायरेक्टर ने यह फैसला लिया कि शूट में सब एक दूसरे को सच में मारेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि शूट के दौरान सभी को काफी खरोचे आई, लेकिन ये एक परफेक्ट शॉट बन गया। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस सीन के बारे में कहा, ये मजेदार सीन था। यश और संजय इस सीन की एनर्जी को तराशने के लिए बेहद ओपन थे। ये पहली बार हुआ जब यश और संजय का आमना सामना हुआ। मैं इस सीन को वास्तविक बनाना चाहता था, इसीलिए मुझे यश और संजय को ये आजादी देनी पड़ी कि वो एक दूसरे को मार सकते हैं, बेशक अपने हाथों को थोड़ा टाइट करके, वरना इन दोनों में इतनी एनर्जी थी कि एक दूसरे को अस्पताल भी पहुंचा सकते थे। एक्टर के तौर पर दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और हम यहां तक पहुंचने में सफल हुए। ये एक लंबा सीन था और इसमें कई सारे एंगल जुड़े हुए थे। उन एंगल्स में से एक एंगल रमिका सेन यानी कि रवीना टंडन का भी जुड़ा था, जो फिल्म में एक राजनेता की भूमिका में नजर आने वाली है। इसमें रमिका ने यश को मारने के लिए आदेश दिए हैं, जो हमें इसके टीजर में देखने को मिला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये आपको जल्दी पता लग जाएगा। और वो कैसे, जाहिर है हमारी वीडियो देखकर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। केजीएफ चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स आखिर कितनी है रॉकी भाई यश और अधीरा यानी कि संजय दत्त की केजीएफ चैप्टर 2 के लिए सैलरी, कितने में बिके हैं केजीएफ चैप्टर 2 के सैटेलाइट राइट्स, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ स्टार यश की सुपरहिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 के मेगा सक्सेस के बाद फिल्म का सेकेंड पार्ट यानी केजीएफ चैप्टर 2 भी जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाला है। जी हाँ, जब से इस बारे में अनाउंसमेंट हुई है केजीएफ के फैंस तो मानो खुशी से झूम ही उठे हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज के लिए साउथ बेस्ड जी चैनल्स के साथ कोलैबोरेशन किया गया है।
KGF चैप्टर 2 के साउथ सैटेलाइट राइट जी कन्नड़, जी तेलुगु, जी तमिल और जी मलयालम को रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए हैं। KGF चैप्टर 2 जब बनाई जा रही थी उस वक्त किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, साथ ही इसकी सैटेलाइट राइट्स इतने करोड़ों में बिकेगी। रॉकी भाई यानी कि यश ने इस फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन रॉकी भाई का कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि KGF चैप्टर 1 से ज्यादा लोग रॉकी भाई के कैरेक्टर को आज भी याद करते हैं। इसी से खुश होकर रॉकी यानी कि यश को 15 करोड़ की जगह 30 करोड़ का चेक दिया गया। अब फिल्म के सेकंड सीक्वल के लिए भी यश डबल चार्ज कर रहे हैं। यश के बाद उस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का। जी हाँ, संजय दत्त इस अपकमिंग फिल्म में अधीरा का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर होने वाला है और अपने इस किरदार के लिए संजय दत्त ने करीब 9 करोड़ रुपए लिए हैं। इस फिल्म से काफी सारी उम्मीदें हैं दर्शकों को और साथ ही मेकर्स को भी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने KGF के पहले भाग को प्यार दिया था, उससे भी दुगुना प्यार KGF चैप्टर 2 को भी मिले। KGF के पहले भाग को देखने के बाद ऑडियंस के मन में कई तरीके के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर KGF पर राज किसका होगा। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब आपको अपकमिंग फिल्म KGF 2 में मिल जाएगा, बस थोड़ा और इंतजार और करना है। फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच इतनी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है कि शायद इसी वजह से KGF के चैप्टर 2 के सेटेलाइट राइट्स को इतने महंगे तर्ज पर बेचा गया है। आप सभी कितने ज्यादा उत्साहित हैं KGF चैप्टर 2 के लिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्म मेकिंग के क्या है खास किस्से, कितना टाइम लगा मूवी को बनाने में, फिल्म मेकिंग की किस चीज में लगा सबसे ज्यादा वक्त। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी। अगर हम सभी इंडियन सिनेमा में अब तक की टॉप सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की बात करें तो काफी सारे आइकॉनिक मूवीज में ख्याल आता है। आपकी राय में कौन सी हो सकती है अब तक की सबसे कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एक सुपर सक्सेसफुल फिल्म जिसने अपनी फिल्म मेकिंग में बाहुबली को भी पछाड़ दिया वो है वर्ल्ड फेमस कन्नड़ा मूवी KGF। KGF एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसने अपनी अमेजिंग फिल्म मेकिंग से सबका दिल जीता। पर दोस्तों, क्या हो सकती है KGF फिल्म की मेकिंग के बारे में अनसुने किस्से। इस वीडियो में हम आपको KGF मूवी से मेकिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस फिल्म की मेकिंग 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में हुई है, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, हिंदी और तेलुगु। यही नहीं, KGF ऐसी पहली कन्नड़ा मूवी बनी जो पाकिस्तान में भी रिलीज हुई हो। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, इस फिल्म को बनने में पूरे 4 साल का वक्त लगा था। अगर हम फिल्म के लास्ट शॉट की बात करें तो फिल्म के लास्ट शॉट में 1000 लोग थे। फिल्म के सेट के बारे में बात की जाए तो शूटिंग के दौरान फिल्म का सेट 2 बार भारी बारिश स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से गिर चुका था। इसे दोबारा रिबिल्ड किया गया और शूटिंग रिज्यूम हुई। में काफी तरीके से स्पेशल इफेक्ट्स भी यूज हुए और फिल्म को स्पेशल इफेक्ट्स के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। शूट लोकेशंस और सेट डिजाइन में भी काफी डिटेल्स के साथ फिल्म मेकर्स ने काम किया। फिल्म का इनिशियल बजट 80 करोड़ था पर फिल्म ने 250 करोड़ की कमाई की, जिससे फिल्म को भारी अमाउंट में प्रॉफिट हुआ। फिल्म के सेट से लेके स्क्रिप्ट तक हर चीज डिजाइन करने में पूरे 3 साल लग गए थे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि KGF के बारे में आपने जो इस वीडियो में सुना उसमें से क्या आपने पहले सुन रखा था और क्या बात आपको बिल्कुल खास लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और KGF 2 को देखते टाइम फैंस को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और क्यों KGF 2 में कुछ चीजें नोट करने वाली है, KGF 2 में क्या हो सकता है नया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है जो की होती तो काफी फेमस है लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिनसे फैंस काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको फॉलो करने का मन बना लेते हैं। एज अ एक्टिव ऑडियंस हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीजें सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पीस हैं जिन्हें फॉलो करना बिल्कुल ही गलत है। तो इसी बात पर हम आपको बताते हैं एक न्यू अपकमिंग मूवी के बारे में जिसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था और दोस्तों दूसरे पार्ट से भी यही उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें दूसरे पार्ट में अगर दोबारा रिपीट करा जाए तो फैंस उन्हें देख कर प्लीज इन्फ्लुएंस ना हो। तो दोस्तों, जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों अपकमिंग मूवी KGF 2, जो कि दोस्तों KGF पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन होने वाली है।
तो केजीएफ 2 के बारे में आपको एक क्विक रनडाउन देते हो। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील और इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे यश, रवीना टंडन, संजय दत्त, श्रीमती शेट्टी एंड दोस्तों और भी कई बड़े बड़े सितारे। दोस्तों ये मूवी प्रोड्यूस की जाएगी विजय के द्वारा, तो ये है इस मूवी के स्टार कास्ट इंटरव्यू। अब दोस्तों आ जाते हैं इस बात पर कि केजीएफ 1 में ऐसे कौन से सोशियोलॉजिकल अनअपीलिंग मोमेंट्स थे जिनको केजीएफ 2 में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करा जाना चाहिए। कहा जाए तो केजीएफ 1 वाके में ही एक अमेजिंग मूवी थी, लेकिन दोस्तों इस मूवी में दिखाए गए मेन लीड काफी ज्यादा अल्कोहल एंड सिगरेट का कंजम्पशन करता था, जिसको देखकर ज्यादातर लोग स्पेशली यूथ पर असर कर सकता है। इमेजिन करिए आप एक ऐसी मूवी को विटनेस कर रहे हैं जो कि एक ब्लॉकबस्टर है, जिसमें काफी कूल स्टार है और वो स्टार बहुत ज्यादा जोरदार स्मोक करता है, तो क्या आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएंगे? इसका जवाब है हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल हर कोई शो ऑफ करना चाहता है और दोस्तों कूल दिखना चाहता है, तो सबको ऐसा ही लगेगा कि ड्रिंक एंड स्मोक करने से हम शायद कूल लगेंगे और दोस्तों वो लोग इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। वैसे इंडीड रॉकी ड्रिंक एंड स्मोक करते हुए काफी कूल लगता था, लेकिन दोस्तों प्लीज इसे लोग एक एंटरटेनमेंट पीस की तरह ही लें और उसे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। केजीएफ मूवी कुछ अनरियलिस्टिक स्ट्रीट फाइट सीक्वेंस भी दिखाए गए थे जिनको दोस्तों लोग एथिकली इनकरेक्ट कह सकते हैं। इसी बात पर अपना टेंपर लूज कर देना मूवी के फाइट सीन्स को पर्सनली ट्राई करने से फैंस को बचना चाहिए। भले ही मूवी में ऐसे फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये सब एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंडर होते हैं, तो यूथ को ये चीज समझनी चाहिए और ऐसे सीन्स को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये है कुछ चीजें जो कि मोस्ट प्रोबेबली केजीएफ 2 में भी सामने आ सकती हैं, लेकिन हमें जैसे पहले भी बोला है कि दोस्तों फैंस को इन सीन्स को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और दोस्तों इस मूवी को जी भर कर अपना सपोर्ट देना है। केजीएफ 2 वैसे एक बहुत सारे नए कैरेक्टर्स और बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट खुद में लेकर आ रही है, जिसे फैंस देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। फैंस ने छेड़ा श्रीदी शेट्टी को रॉकी के नाम से। फिल्म की पॉपुलैरिटी ने फिल्म से जुड़े कलाकारों की जिंदगी कैसे बदल डाली? क्या केजीएफ का न्यू सिंगल जल्द ही रिलीज होगा? रॉकिंग स्टार यश अभिनीत केजीएफ चैप्टर 2 बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। केजीएफ चैप्टर 1 भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है और ऐसी उभरी कि 3 साल बाद आज भी लोगों के लबों पर रॉकी भाई का नाम जिंदा है और यश और श्रीदेव शेट्टी की मुख्य जोड़ी सहित इससे जुड़े अभिनेता रातों रात स्टारडम की ओर बढ़ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज लेकर आई हूं डायरेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। यश को बियर्ड ऑयल से लेकर घड़ियों और दूसरे अपीयरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, तो अपनी डेब्यू फिल्म से ही वाहवाही पाने वाली श्रीनिधि को तमिल सुपरस्टार विक्रम के साथ नेक्स्ट फिल्म मिली। दोनों अभिनेताओं को रॉकी भाई और रीना देसाई के उनके चित्रण के लिए प्यार किया गया था। फैंस को यश और श्रीनिधि के बीच जो जबरदस्त केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है। रॉकी भाई और रीना देसाई के रूप में इन दोनों के बीच हुई प्यार भरी नोकझोंक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फैंस दोनों को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केजीएफ 2 के निर्माताओं ने पिछले साल केजीएफ चैप्टर 2 से श्रीनिधि का फर्स्ट लुक उनके जन्मदिन पर शेयर किया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील ने ट्वीट किया, क्या प्यार और क्रूरता को एग्जिस्ट कर सकते हैं? हमारी रीना श्रीनिधि को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। #HappyBirthday श्रीनिधि शेट्टी #KGFChapter2। तस्वीर में श्रीनिधि को फिल्म के पहले भाग में अपने शानदार वेस्टर्न लुक से अलग देसी लुक में देखा जा सकता है। वो काले और गोल्डन रंग का लहंगा पहने नजर आ रही है और उनके बाल कंधे तक नजर आए, इसलिए फैंस को इस साल श्रीनिधि के कैरेक्टर के बारे में नई अपडेट की उम्मीद है। हालांकि निर्माताओं ने केवल श्रीनिधि की एक तस्वीर शेयर की और इसे कैप्शन दिया, हमारी रीना श्रीनिधि शेट्टी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच फैंस अभी भी श्रीनिधि के फर्स्ट लुक को लेकर ओवरवेल्ड है और लगातार पोस्टर पर कमेंट कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि रॉकी भाई के होश उड़ जाएंगे जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखेंगे, उनके दिल का क्या होगा ये सोचने वाली बात है। पोस्टर पर एक फैन ने लिखा, अब हमारे रॉकी भाई का क्या होगा? वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट किया, क्या हम रीना और रॉकी के बीच युगल गीत की उम्मीद कर सकते हैं? कन्नड़ ओरिजिन की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 ने देश के विभिन्न राज्यों में लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स को तोड़ते हुए फिल्म प्रेमियों को मेस्मराइज कर दिया। केजीएफ 1 के निर्माताओं ने कन्नड़ में केजीएफ के लिए दीवानगी जंगल की आग तरफ फैलने के बाद फिल्म को अन्य भाषाओं में डब करना पसंद किया। फैंस आग की लपटों को जला रहे हैं, जिसका अंदाजा केजीएफ चैप्टर 2 की बढ़ती प्रत्याशा से लगाया जा सकता है।
रॉकिंग स्टार यश जो नॉर्थ इंडियन में इतने पॉपुलर नहीं थे, अब हिंदी बेल्ट में भी एक घरेलू नाम बन गए हैं। केजीएफ चैप्टर वन के साथ वो पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसकी दीवानगी ने सीमाओं को पार कर लिया, जो कि निर्माताओं द्वारा आधिकारिक टीजर को रिलीज करने के बाद क्लियर है। और अब तक इसने कई वर्ल्ड वॉर रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। ये सिर्फ यश ही नहीं थे, लेखक और निर्देशक प्रशांत नील, गरुड़ और कई अन्य पात्रों ने भी बड़े लेवल पर पॉपुलैरिटी हासिल की है। कहानी, माइक्रो सीक्वेंस, वेरी एनर्जेटिक एक्शन, बैकग्राउंड स्कोर, गाने सभी भाषाओं में, यूनिक हेयर स्टाइल और ग्रूमिंग स्टाइल, कॉस्ट्यूम्स और शूटिंग स्थान और अन्य सभी चीजें काफी दमदार थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि केजीएफ 1 का कल्ट क्लासिक बन गई है और रॉकिंग स्टार केजीएफ चैप्टर 2 के साथ वर्ल्ड वाइड अपनी छाप छोड़ने की राह पर है, जो 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स जल्द से जल्द केजीएफ चैप्टर 2 के पहले सिंगल की घोषणा करेंगे। केजीएफ की संगीत की दुनिया में रॉकी भाई के साथ सवारी करने के लिए फैंस काफी उत्साहित है। देखना काफी दिलचस्प होगा। की शूटिंग लोकेशन से जुड़ी की डिटेल्स, क्या होने वाला है केजीएफ 2 का क्लाइमेक्स, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करने वाले हैं फिल्म केजीएफ के अपकमिंग चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी और वर्ल्ड वाइड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। यही रीजन है कि इसका चैप्टर 2 सभी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में मोस्ट एंटिसिपेटेड है। इस फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर यश को भी सिनेमैटिक फैन से काफी रिकॉग्नाइजेशन मिली और अब उनकी गिनती एक रेजिंग सुपरस्टार के तौर पर की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म केजीएफ 2 के शूटिंग लोकेशंस के बारे में। जब से केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई और खबरें आई कि केजीएफ चैप्टर 2 भी जल्द ही आने वाली है, सभी फैंस के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन सी है वो लोकेशन जहां पर केजीएफ 2 की शूटिंग चल रही है। तो आपको बता दें, मार्च 2019 में ही फिल्म का पहला शूटिंग सीक्वेंस हैदराबाद में शूट किया गया था, जो अगले कुछ महीनों तक चला। लेकिन उसके बाद मार्च 2020 में ही कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से इसे रोक दिया गया और उसके कुछ ही महीनों बाद यानी अगस्त 2020 में बैंगलोर के कटिवारा स्टूडियो में फिल्म को रिज्यूम किया गया। बैंगलोर के फेमस कोलार गोल्ड फील्ड्स में भी फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की शूटिंग हुई है। KGF 2 के शूटिंग लोकेशंस का सबसे बड़ा हाईलाइट पार्ट था गोवा का दूध सागर वाटरफॉल्स। जी हाँ, इस जगह पर यश के कुछ धमाकेदार एक्शन स्टंट्स की शूटिंग हुई है और जो इस फिल्म के सबसे अमेजिंग एक्शन सीक्वेंस के तौर पर माना जा रहा है। जी हाँ, बता दे, दूध सागर वाटरफॉल्स इंडिया की सबसे खूबसूरत और एग्जॉटिक लोकेशंस में से एक है और उस लोकेशन पर शूट किया गया है यश का खतरनाक एक्शन स्टंट। कितना थ्रिलिंग होने वाला है, हम इस बात का अंदाजा सिर्फ बातों से ही लगा सकते हैं। जल्द ही फिल्म रिलीज होने वाली है, हम जानते हैं आप सभी इस अपकमिंग फिल्म के लिए बेहद उत्सुक हैं। दोस्तों, किसी भी फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिल्म का क्लाइमेक्स, स्पेशली जब फिल्म एक एक्शन थ्रिलर हो। इसीलिए फिल्म मेकर्स कभी अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स को रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन मजे की बात तो ये है कि हम आपको केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। बता दें, फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए एक सुपर एक्सपेंसिव सेट का अरेंजमेंट किया गया और सेट को हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में लगाया गया। क्लाइमेक्स के सीक्वेंस का ये मेन सीन यश और संजय दत्त के बीच एक दमदार एक्शन स्टंट पर बेस्ड रहने वाला है। माना जा रहा है कि ये एक्शन सीक्वेंस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आज तक का सबसे एक्सपेंसिव एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, जो वाकई में ऑडियंस को सरप्राइज कर देगा। आप सभी कितने एक्साइटेड है केजीएफ 2 के लिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर तरह पार्ट 2 में होगा सब कुछ दोगुना। कहां पहुंचे छुट्टियां मनाने यश और क्या कारनामा कर दिखाया रॉकिंग स्टार ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति।
विदाउट अ डाउट केजीएफ चैप्टर 1 की शानदार सफलता के बाद यश वर्ल्ड वाइड अपील के साथ एक स्टार बन गए। प्रीक्वल की सफलता के बाद उनकी अपकमिंग पॉपुलर फ्लिक के लिए एक्टर को निर्माताओं से एक बड़ी राशि मिल रही है। इससे पहले कि हम आपको सीक्वल के बारे में कुछ बताएं, हम आपको बता दें कि 2018 में रिलीज हुए पहले भाग के लिए अभिनेता को कितना भुगतान किया गया था। केजीएफ चैप्टर 1 उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता थी, खासकर इसके हिंदी अडैप्टेशन में। बेशक यश के प्रदर्शन ने भीड़ को आकर्षित किया, लेकिन ये सिर्फ साउथ या भारत तक लिमिटेड नहीं था। केजीएफ ने इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अपनी ओर आकर्षित किया। यही सब बात अभिनेता के लिए अधिक धन प्राप्त करने का कारण बनी। उन्हें पहले पांच के लिए 15 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसमें से कुछ राशि का भुगतान फिल्म के थिएट्रिकल प्रदर्शन के बाद किया गया था। अब सीक्वल पर आते हुए निर्माताओं ने केजीएफ चैप्टर 2 के लिए यश को 30 करोड़ रुपए की भारी राशि दी है और ये पहले भाग के तुलना में दोगुना है। इतना ही नहीं, वे रॉकिंग स्टार को एक थिएट्रिकल बिजनेस से प्रॉफिट शेयरिंग देने के लिए भी सहमत हुए। दूसरी ओर केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील प्रभास अभिनेता फिल्म सलार में व्यस्त है और अल्लु अर्जुन और जूलियन टीआर के साथ साथ रामचरण के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए कमर कस रहे। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कन्नड़ अभिनेता अगली बार एक शीर्षक वाली फिल्म में दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, राइटर ने अभी से अपनी एक नई फिल्म बगीरा का पोस्टर जारी कर सबको एक्साइटेड कर दिया है। इस फिल्म को खासियत है कि इसमें प्रशांत नील अपनी डेब्यूटेड फिल्म के अभिनेता और बहन श्री मुरली के साथ अपना तीसरा कोलैबोरेशन करने रहे। केजीएफ 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम थी, जिसकी सफलता के बाद इसका अगस्त्या नाम से सीक्वल बनाया गया। नई रिपोर्टों के अनुसार केजीएफ स्टार यश अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ दुबई गए हुए हैं और कुछ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। अपने मेजबानों के साथ अभिनेता की कई तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। वैकेशन पिक्स के अलावा एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें यश एक शेरनी को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। शेर शेर से मिल रहा है, इस पर फैंस कमेंट करते नजर आए। फैंस अभी भी यश की रॉकी भाई लुक के दीवाने हैं और उनके लंबे बाल और दाढ़ी को शेर की गर्दन के बालों की तरह बताया, जिसके चेहरे और गर्दन पर घने बाल होते हैं। केजीएफ 1 के बाद फैंस यश के लुक और रवैये की तुलना एक शेर से कर रहे हैं, जो परिणामों की चिंता किए बिना निडर होकर जंगल में घूमता है। केजीएफ स्टार फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर डिस्प्ले होने वाले पहले कन्नड़ अभिनेता बन गए हैं। अधिकांश समय हम केवल बॉलीवुड सितारों को ही कवर पिक्चर की शोभा बढ़ाते हुए देखते हैं, इसलिए ये वास्तव में पूरी सैंडलवुड इंडस्ट्री के लिए एक प्राउड मोमेंट है। फोर्ब्स इंडिया ने पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, फोर्ब्स इंडिया की पहली साउथ सेलिब्रिटी स्पेशल को पकड़ो। हम चार फिल्म इंडस्ट्री तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ का जश्न मनाते हैं और इसके सबसे बड़े सितारे के लिए एक टोस्ट देते हैं, वो जिन्होंने पूरे भारत में पॉपुलैरिटी गेन की है। यश यश संजय दत्त रविनाथन नरसिंह शेट्टी अभिनीत केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। यश संजय दत्त के साथ भिड़ते हुए दिखाई देंगे, जो विलेन अधीरा का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा रवीना को भारत की प्रधानमंत्री रमिका सेन के रूप में देखा जाएगा। यश के किस लुक की हो रही है चर्चा? क्या है सोशल मीडिया पर यश की चर्चा का कारण? क्या है रॉकी भाई का प्री दशहरा सरप्राइज फॉर फैंस? KGF 2 स्टार यश प्रशांत नील की KGF फ्रेंचाइजी की बदौलत पैन इंडिया लोकप्रियता को हासिल किया है। पहले इंस्टॉलमेंट की ह्यूज सक्सेस ने दूसरी इंस्टॉलमेंट को और भी बड़ा बना दिया है और कई लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि ठाकुर और स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर के लीड कैरेक्टर रॉकी भाई एके रॉकिंग स्टार यश की नई अचीवमेंट के बारे में। रॉकिंग स्टार यश की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उन्हें सौभाग्य दिलाया है फेमस मैगजीन फोर्ब्स में फीचर होने का। आपको बता दें, फोर्ब्स मैगजीन हफ्ते में दो बार छपती है और अक्सर ये फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग टॉपिक्स पर आर्टिकल्स पेश करती है, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से फिल्मों और उनके सुपरस्टार्स पर ध्यान केंद्रित करके अपने एनुअल एडिशन को एक एंटरटेनमेंट टच दे रहे हैं। लेकिन ये जानकर खुशी होती है कि उन्होंने साउथ इंडिया में चार इंडस्ट्रीज तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में सुर्खियों को सीमित कर दिया है। जैसे कि भारत इस बार फोर्ब्स पर साउथ से अपनी सेलिब्रिटीज का जश्न बना रहा है, क्योंकि मैगजीन के कवर पेज पर नजर आए केजीएफ के रॉकी भाई यानी हमारे रॉकिंग स्टार यश। ये वाकई ही केजीएफ फैंस के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आपको बता दें, रॉकिंग स्टार यश साउथ इंडस्ट्री के पहले ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, यानी कि ही इज द फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी फ्रॉम साउथ जो कि फोर्ब्स मैगजीन में फीचर हुए हैं।
और मजे की बात तो ये है कि फोर्ब्स मैगजीन में छपी यश की पिक्चर वायरल भी हो गई। मतलब भैया ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। इस बात से आप रॉकिंग स्टार की बढ़ती क्रेजी फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि फोटो छपने के साथ साथ वायरल भी हो गई है। एक्टर ने एक ब्लैक कलर के सूट में स्टाइलिश लुक दिया है, जहां उनकी थिक बियर्ड उनके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। वहीं वे सीधे कैमरे में देख रहे हैं, जो किसी भी लेडी को उनके प्रति अट्रैक्ट कर सकती है। फोर्ब्स की कवर मैगजीन पर पोज देना कोई इजी काम नहीं है और ये उनकी पॉपुलैरिटी के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। इस बीच उनकी बेटी मीरा के साथ उनकी रीसेंट पिक्चर्स ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। अभिनेता को बहुप्रतीक्षित फिल्म KGF 2 की रिलीज का इंतजार है। हाल ही में मेकर्स ने बैंगलोर में एक एक्शन सीन शूट करने की बात कही है। ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अपडेट बढ़ाकर 14 अप्रैल 2022 कर दी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और मीना टंडन को साउथ की फिल्मों को करने में मजा। क्या खास होने वाला है संजय दत्त के KGF 2 के किरदार में जो उड़ाएगा आपके होश? क्यों जबरदस्ती किए संजय दत्त ने KGF 2 के एक्शन सीन्स को खुद परफॉर्म? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़े सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF 2 की और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। KGF के टीजर के रिलीज से पहले संजय दत्त ने KGF चैप्टर 2 से जुड़ा अधीरा का अपना एक लुक साझा किया था, जिसमें वो हाथों में तलवार पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि KGF चैप्टर 2 का वो भी बेसब्री से दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। संजय दत्त ने KGF चैप्टर 2 में अपने किरदार अधीरा के बारे में बात करते हुए कहा, अधीरा मेरे द्वारा निभाया गया अब तक का सबसे क्रेजी किरदार है। ये वाइकिंग से प्रेरित निडरची शाली और निर्मम है। अधीरा बनने के लिए बहुत सारी शारीरिक तैयारियों की जरूरत थी। लुक अपनाने के लिए मेकअप्स में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगता था। साथ ही किरदार में ढलने के लिए मानसिक तौर पर बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती थी। कुछ समय पहले संजय दत्त की सेहत खराब थी और इसी के दोस्तों देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने उन्हें बॉडी डबल का सजेशन दिया था, लेकिन संजय दत्त ने इसे साफ इनकार कर दिया। संजय दत्त ने फिल्म में खुद अपने एक्शन सीक्वेंस किए हैं और वो अक्सर अपनी फिल्मों में अपने एक्शन सीन्स खुद ही करते हैं। दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म KGF के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने कहा, फिल्म KGF चैप्टर 1 का सीक्वल है, इसलिए आप वो सब और उससे अधिक की उम्मीद कर सकते हैं। फिल्म में यश और मेरा फेस ऑफ है, जो निश्चित रूप से बहुत मजेदार था। बहुत सारे प्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया है और सीक्वेंस को खूबसूरती से कोरियोग्राफ भी किया गया है। फिल्म में एक्शन भरपूर मात्रा में है और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि बिना ज्यादा कुछ कहे ऑडियंस फिल्म में एक्शन का मजा ले सके। दोस्तों टीजर में एक नेता के रूप में रवीना टंडन को देखा जा सकता है, वहीं संजय दत्त अधीरा के लुक में नजर आ रहे हैं। दोस्तों होमले फिल्म्स ने इस टीजर को रिलीज किया है और टीजर को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म्स को इस साल सिनेमाघरों में KGF चैप्टर 2 को हिंदी में प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। रवीना टंडन कहती हैं कि मैंने हमेशा साउथ से फिल्मों का आनंद लिया है और उन्हें ये फिल्में करना बेहद पसंद है। मुझे दूसरे राज्यों से भी सिनेमा करना पसंद है और मुझे लगता है कि दक्षिण हमेशा समृद्ध तकनीकी रूप से और साथ ही सामग्री के लिहाज से बहुत समृद्ध रहा है और मैंने हमेशा अपनी तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्में करने का आनंद लिया है। वो आगे कहती हैं कि मैं कन्नड़ सिनेमा में, दक्षिण भारत में और कन्नड़ सिनेमा में बहुत अधिक काम करने के लिए उत्सुक हूँ। KGF 2 में रवीना टंडन सत्ता में एक राजनेता यानी कि रमिका सेन के रूप में ग्रे शेड्स निभाती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, साथ ही अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट हुई कंफर्म? कब रिलीज होगी ये फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों KGF चैप्टर 2 का वेट इतना ज्यादा कर लिया है कि अब रहा नहीं जाता, क्योंकि लगातार रिलीज डेट भी सामने आती रही। 16 जुलाई को कहा गया कि 2021 को ये रिलीज हो जाएगी, ये रिलीज नहीं हुई कोविड के कारण, लेकिन अब फाइनली पता चल चुका है, कन्फर्म हो चुका है ऑफिशियली कि अब KGF चैप्टर 2 रिलीज होने ही वाली है। KGF चैप्टर 2 को लेकर इतना बस इसीलिए बन रहा है क्योंकि 2018 में जो KGF रिलीज हुई उसने धमाका मचा दिया। जीरो जैसी फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म को टक्कर भी आगे निकल गई, तो आप सोचिए कितना स्टैमिना रखती थी KGF अपने आप में। अब आपको बता दें कि रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, पहले 16 जुलाई 2021 को ये फिल्म रिलीज होनी थी, अब 16 जुलाई 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया जाना है। दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि इस फिल्म को रिलीज होना है और बहुत कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में।
तो दोस्तों आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि फाइनली KGF चैप्टर 2 रिलीज होने जा रही है। आप KGF चैप्टर 2 यश के साथ और प्रभास के साथ सालार जनता के बीच एक सॉलिड चर्चा पैदा कर रही है। KGF 2 अगले साल 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है। निर्देशक इसके पोस्ट प्रोडक्शन के काम में व्यस्त है। वहीं प्रभास की डेब्यू कन्नड़ फिल्म सालार भी 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। वैसे दोनों फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों फिल्मों में एक और बात कॉमन है रिलीजिंग डेट के अलावा। हाल ही में प्रशांत नील ने ट्वीट पर फैंस को इन्फॉर्म किया कि म्यूजिशियन रवि बसरूर KGF चैप्टर 2 और सालार दोनों के लिए संगीत तैयार करेंगे। उन्होंने रवि के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा, वन एंड ओनली प्लेस जहां KGF चैप्टर 2 और सालार एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है वो एक बसरूर रवि स्टूडियो। खुद जादूगर के साथ संगीत पर काम करना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। खैर KGF फैंस के लिए खबर काफी रोमांचक है क्योंकि उन्होंने फिल्म KGF चैप्टर 1 में अपने संगीत से उन्हें प्रभावित किया है, इसलिए दर्शक सालार और KGF 2 में उनसे उसी तरह के जादू की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं प्रशांत नील की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म KGF 2 में संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अनंत नाग और अन्य भी प्रमुख भूमिकाओं में है। दूसरी ओर सालार में श्रुति हसन मुख्य भूमिका में है। फिल्म कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी। सालार का पहला शेड्यूल पहले ही पूरा हो चुका है और अब निर्माता जल्दी शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। वहीं पता चला है कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश को सालार और KGF दोनों की ही स्क्रिप्ट एक साथ सुनाई थी, लेकिन यश ने सालार की जगह KGF को चुना, इसलिए प्रशांत ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए और वही स्क्रिप्ट प्रभास को सुनाई। उनके नरेशन के बाद बाहुबली स्टार ने फिल्म को अपनी मंजूरी दे दी। निर्माताओं ने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 90 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि टीम यश स्टारर द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए सालार को कंपनसेट मीडियम के रूप में इस्तेमाल करके KGF चैप्टर 2 के साथ एक बिग अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है। हालांकि फिल्म की पहली किस्त ने विशेष रूप से साउथ इंडिया में धूम मचा दी थी, लेकिन इसके दूसरे भाग का बिजनेस अब तक इम्प्रेसिव नहीं रहा है और इसके नुकसान को भरने के लिए प्रभास के फैंटेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग अनजान हैं उनको बता दें, दोनों फिल्में विजय किरण गंडूर द्वारा उनके प्रोडक्शन बैनर होमली फिल्म्स के तहत सपोर्टेड है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में अफवाहें थी कि पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू ने यश स्टारर के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पहले ही खरीद लिए हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर के वायरल होने के साथ केवल उसी के बारे में एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन से तेलुगु राज्यों में KGF चैप्टर 2 के बिजनेस को क्लीन चिट मिला है। रॉकी भाई के रूप में यश अभिनत KGF चैप्टर 1 को पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट करना KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील का स्टार्टिंग आइडिया नहीं था, जो KGF सीरीज के लेखक है। हालांकि KGF सीरीज को पैन इंडिया ऑडियंस तक ले जाने के विचार के पीछे कोई और था। हाँ, ये रॉकी भाई उर्फ यश ही थे जिन्होंने KGF को पूरे भारत में रिलीज करने की जोरदार रिक्वेस्ट और प्रपोजल रखा और उनका इंट्यूशन गलत नहीं साबित हुआ। नए दौर में टॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास की बाहुबली सीरीज के बाद KGF चैप्टर 1 देश भर में सबसे सफल फिल्म बन गई। ये भी उम्मीद की जाती है कि 14 अप्रैल 2021 को रिलीज होने वाली KGF चैप्टर 2 भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई अन्य रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि ऑफिशियल टीजर ने पहले ही दुनिया भर के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक इंटरव्यू में रॉकिंग स्टार ने कहा, जब पहली बार उन्होंने मेकर्स को फिल्म पैन इंडिया रिलीज करने का प्रपोजल दिया तो वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। भले ही वो प्रपोजल से कन्विंस थे, नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें एक सेल्समैन के रूप में माना और उन्हें KGF चैप्टर 1 को रिलीज करने से इनकार कर दिया। हालांकि KGF चैप्टर 1 के आसपास के प्रमोशन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने KGF सीरीज की पहली इंस्टॉलमेंट जारी करने में इंटरेस्ट दिखाया। अब KGF 1 की भारी सफलता के बाद भारत भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करने के लिए आपस में भिड़ गए। यश ने अपने 13 साल के करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ पहले ही एक फैंडम एस्टैब्लिश कर लिया है। रॉकिंग स्टार ने 2018 में KGF चैप्टर 1 की रिलीज के साथ अपनी स्कोप और रीच को और बढ़ाया। अब तक फैंस अच्छी तरह से जानते हैं कि यश रॉकिंग स्टार का स्क्रीन नाम है, जबकि उनका ओरिजिनल नाम नवीन कुमार गौड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ एक्टर ने यश को अपने स्क्रीन नाम के रूप में रखने का ऑप्शन क्यों चुना? मुख्य किरदार के रूप में उनकी पहली फिल्म रॉकी थी, जो उनकी पहली हिट फिल्म भी थी, जिसके बाद एक्टर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में अभिनय किया और अब वो साउथ इंडियन इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर्स के रूप में एक है। नवीन गौड़ा और यश को तो कुछ अन्य फैंसी नामों के साथ अपना नाम बदलने का सुझाव दिया गया था, तब एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपने असली नाम की जगह अपने बचपन का नाम यश रखने का फैसला किया। यश को उसके दोस्त भी टाइगर कहकर बुलाते थे।
यश की मच एंटिसिपेटेड फिल्म केजीएफ 2 अगले साल 14 अप्रैल 2022 के लिए रीशेड्यूल की गई है। तब तक फैंस को इंतजार करना होगा मॉन्स्टर रॉकी भाई की दहाड़ के लिए। वहीं आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। किन महंगी चीजों का शौक रखते हैं संजय रियल लाइफ में? क्यों बॉलीवुड के पहले अमीर बने संजय दत्त? क्या केजीएफ 2 में संजय की रॉयल्टी को बरकरार रखा जाएगा? बोर हो गए होंगे ना केजीएफ 2 के बारे में सुन सुनकर, तो भी यही सुनना है। लेकिन आज हम केजीएफ 2 की कहानियां कास्ट की नहीं बल्कि उसके खलनायक यानी संजय की अमीरी को आपके सामने लाएंगे। तो बता दें कि बॉलीवुड में कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें महंगी चीजों का क्रेज होता है और यहाँ के खलनायक यानी संजय दत्त भी उन्हीं में से एक है। संजय दत्त ने हमेशा ही अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। हालांकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो बॉलीवुड में सबसे महंगे एक्टर है। यही वजह है कि वो एक्सपेंसिव चीजों को खरीदना तो पसंद करते ही है, साथ ही उन्हें अपनी पत्नी को गिफ्ट में भी देते हैं। 100 करोड़ का बंगला जिसे मान्यता ने लेने से मना कर दिया था। साथ ही संजय ने अपनी पत्नी को कुछ बहुत महंगी चीजें गिफ्ट की है। बॉलीवुड स्टार्स का गाड़ियों के लिए प्यार तो सभी जानते हैं। केजीएफ 2 का अधीरा भी कार और बाइकों के काफी शौक रखते हैं और वो लेक्सस एसयूवी, मर्सिडीज बेंज एम क्लास, एक पोर्श एसयूवी और एक टोयोटा लैंड क्रूजर के मालिक हैं। इसके अलावा उन्होंने मान्यता दत्त को एक रोल्स रॉयस घोस्ट गिफ्ट की थी जब उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों इकरा और शरहान को जन्म दिया था। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक होती है। वहीं मान्यता ने भी संजय को एक सफेद रंग की ऑडी Q7 गिफ्ट दी थी। ये कार जर्मन ऑटोमेकर की टॉप ऑफ द लाइन मॉडल थी जिसे संजय डेली रूटीन में यूज करते हैं। बता दें केजीएफ 2 में जिस पैसे की होड़ में यश और संजय दत्त में मारामारी होगी वो बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार्स में से एक है। उनकी वार्डरोब में तेंदुआ प्रिंट वाली रोलेक्स घड़ी है जिस पर चमकदार हाथों के 7-8 डायमंड डायल है और उस पर डायमंड ओवरमार्कर है। इसकी कीमत करीब 33 लाख रुपए है। बता दें कि संजय दत्त के पास मुंबई की इंपीरियल हाइट्स में कई सारे फ्लैट्स हैं। संजय दत्त और मान्यता दत्त का घर बांद्रा के पाली हिल में है जिसे बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। संजय दत्त अपने दिवंगत माता पिता नरगिस और सुनील दत्त के बहुत करीब हैं और घर में उनकी मौजूदगी का एहसास पाने के लिए दीवारों पर हर जगह उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। इकरा और शाहरान की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें उनके घर के कई कोनों में भी दिखाई जा सकती है। संयुक्त अरब अमीरेट्स के लिए गोल्ड वीजा पाने के बाद संजय दत्त रेगिस्तान एमिरेट्स में अपने नए घर में रह रहे हैं। संजय बॉलीवुड के पहले एक्टर हैं जिन्हें दुबई का गोल्ड वीजा मिला है। इसी रॉयल्टी को बरकरार रखते हुए केजीएफ 2 में अधीरा का रोल संजय को दिया गया ताकि जिस शान से वो रियल लाइफ में जीते हैं वही शान से वो फिल्म में भी जिए। तो आपको क्या लगता है, क्या अधीरा की रॉयल्टी केजीएफ 2 में बरकरार रहेगी? जिस शान से वो रियल लाइफ में रहते हैं क्या फिल्म में उसी शान के साथ जस्टिफाई किया जाएगा? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। कैसे शेयर की केजीएफ के डायरेक्टर ने फिल्म के डबिंग की शुरुआत की खबर? कैसे मिला यश को केजीएफ से नया नाम? क्या रवीना टंडन निभाने वाली हैं केजीएफ 2 में नेगेटिव किरदार? स्वागत है आपका बॉलीवुड राज स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सबसे लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म केजीएफ 2 की मेरे यानी श्रुति के साथ। रवीना टंडन जल्द ही बहुभाषी फिल्म केजीएफ 2 में दिखाई देंगी और उनका कहना है कि उन्हें हमेशा अन्य राज्यों विशेष रूप से भारत के साउथ भाग से फिल्में करना पसंद है जहां अलग अलग विषय पर फिल्में बनाई जाती हैं। केजीएफ 2 जिसमें कन्नड़ अभिनेता यश मुख्य भूमिका में है वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी। रवीना इससे पहले तमिल फिल्म साधु जो कि 1994 और तेलुगु फिल्म अक्खी विदेहिलो का हिस्सा रही है। अपने केजीएफ 2 के किरदार के बारे में रवीना टंडन ने बताया है कि मैंने अक्स और सत्ता के साथ ये बदलाव जो कि ग्रे शेड्स के किरदारों को निभाना शुरू किया, जहां मेरा किरदार भोला था लेकिन आखिरकार मैंने डार्क किरदारों को निभाना सीखा। मैं कभी भी सीखने से मना नहीं किया क्योंकि वास्तव में इस तरह के किरदारों को तलाशने के लिए बहुत कुछ है। लोग स्टीरियोटाइप होने से डरते हैं लेकिन इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। कोई भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है, आपको बस ये बताना है कि आपके भीतर क्या है। ये बहुत अच्छी बात है, विशेष रूप से OTT प्लेटफॉर्मों के आने से ऐसा करने और तलाशने के लिए बहुत कुछ है।
और मैं केजीएफ 2 में ऐसा किरदार निभाने के लिए काफी उत्सुक हूँ। केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म में रवीना टंडन का लुक उनके जन्मदिन 26 अक्टूबर 2020 को सामने आया था और संजय दत्त का लुक उनके 60वें जन्मदिन पर 29 जुलाई 2019 को जारी किया गया था और लोगों ने रवीना का लुक काफी पसंद किया था। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 की डबिंग शुरू होने की बात कही है। उन्होंने डबिंग स्टूडियो से यश के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर भी शेयर की है। पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, यश के साथ डबिंग करना हमेशा रॉकिंग एक्सपीरियंस रहता है। कुछ दिनों पहले भी केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील ने पोस्ट शेयर किया था। इसमें उन्होंने पूरी टीम के साथ तस्वीरें शेयर की थी जिसमें रॉकी यानी यश भी नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रशांत नील ने लिखा, एक यात्रा अच्छी शुरुआत के साथ जिसका कोई अंत नहीं है। लोग यश के जलवे देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं और इसलिए भी केजीएफ के तीसरे भाग के लिए लोग उत्साहित है। केजीएफ में यश की फिल्मी करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। यश फैंस के बीच रॉकिंग स्टार के नाम से भी काफी पॉपुलर है। यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उन्होंने बहुत कम समय में ही कन्नड़ सिनेमा में अपनी पहचान बना ली है। हालांकि यश को सबसे ज्यादा लोकप्रियता उनकी फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 से मिली। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और हम फिर हाजिर होंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर को लेकर। 250 करोड़ का नुकसान क्यों झेला था यश ने? रिलीज को लेकर क्या है उठा पटक? क्या दिवाली पर फोड़ेंगे बम यश? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड रात स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ निष्का त्यागी। कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 इसी साल 16 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण ऐसा नहीं हो सका। तब से ही लोग दोस्तों इस फिल्म की दूसरी रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं मेकर्स तो इस फिल्म को किसी त्योहार के मौके पर रिलीज करना चाहते हैं। त्योहार का इंतजार करते करते जुलाई से अक्टूबर हो गया है और अब भी फिल्म रिलीज होगी या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, रिलीज डिले का ये एकमात्र कारण सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि बाकी भी कई कारण हैं। दोस्तों बता दें, पहले कारण यानी संजय की डबिंग को लेकर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना की मार को लेकर केजीएफ को खास ही परेशानी हो रही है। क्योंकि दोस्तों बता दो कि कोरोना के कारण फिल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज करना मुश्किल हो रहा है और ओटीटी पर कोई रिलीज करना नहीं चाह रहा। इसी बात को लेकर दोस्तों यश भी अड़े हुए हैं कि रिलीज ओटीटी पर नहीं करेंगे, चाहे रिलीज में कितना ही लेट क्यों ना हो जाए। लेकिन यश क्यों अड़े हैं इस बात पर, तो दोस्तों बता दें कि केजीएफ 2 की जो कि एक फिल्म की थीम है, फिल्म में एक्शन सीन का मजा सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर ही लिया जा सकता है। जब यश और संजय के एक्शन सीन पर थिएटर में तालियां बजेंगी और ये तालियां जब न्यूज बनकर अखबारों में छपेगी, तो उससे ज्यादा खुशी एक आर्टिस्ट के लिए नहीं हो सकती है। शायद दोस्तों इसी तरह की वाहवाही के लालच में यश अपनी पिक्चर के लिए हर नुकसान को झेलने के लिए तैयार है। बता दें कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि किसी फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस फिल्म को खरीदने के लिए 225 करोड़ का ऑफर भी दिया था, लेकिन दोस्तों साउथ के सुपरस्टार ने इतने बड़े ऑफर को मिनटों में ठुकरा दिया। यश चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म केवल थिएटर पर ही रिलीज हो। केजीएफ 2 की जब से घोषणा हुई थी तब से ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में यश चाहते हैं उनकी फिल्म उनके फैंस केवल थिएटर्स में ही देखे। तो दोस्तों अपनी इस राय के बारे में यश ने अपनी फिल्म के निर्माताओं को भी बताया और वो भी उनकी इस बात का समर्थन करते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त और रवीना टंडन पहले पार्ट के एक्साइटमेंट और एक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते देखे जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंतजार करते करते बहुत ज्यादा देर हो जाए? कितना अंतर होगा दोनों फिल्म के विलन में? किससे इंस्पायर है संजय दत्त का लुक? किस तरह का रिकॉर्ड बनाया है फिल्म केजीएफ ने? पाकिस्तान से क्या है केजीएफ का रिलेशन? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। केजीएफ 2018 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने लिखा और निर्देशित करा। फिल्म में यश, श्रीनिधि शेट्टी, अच्युत कुमार, राम्या कृष्णन और आदि मेन लीड में। केजीएफ मेन लीग कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज हुई थी। तमन्ना भाटिया केजीएफ में एक स्पेशल रोल में नजर आई थी।
फिल्म एक पीरियड ड्रामा है जो कर्नाटक के कोलर एरिया में सोने के खन और इससे चलाने वाले माफिया के इतिहास का पता लगाती है। आपको बता दें कि केजीएफ काफी पहचान बना चुकी है और जाने माने स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का भी टीजर लॉन्च किया जा चुका है। इसमें कुछ सीन पहले पार्ट के हैं और जो उसमें दिखाए गए थे। वही अगर आगे बात की जाए तो आगे चीजों में यश का स्टाइल देखने को मिलेगा। वही अभी टीजर में संजय दत्त के लुक को नहीं बताया गया है, उनके बैक साइड को दिखाया गया है जिसने तलवार पकड़े हुए देखे गए हैं। अगर दोनों फिल्म के विलन की बात की जाए तो पहली फिल्म में गरुड़ का किरदार अभिनेता रामचंद्र राजू ने निभाया था। जब भी वह स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो उनके खतरनाक तरीके ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर देते हैं। रामचंद्र राज द्वारा गरुड़ के बुरे रोल को कई फैंस ने सराहा, लेकिन उन्होंने स्टाइल वाले खतरनाक लुक को सपोर्ट नहीं किया जिस संजय दत्त केजीएफ चैप्टर 2 में पहले लुक में दिखा चुके हैं। केजीएफ चैप्टर 2 से संजय दत्त के कैरेक्टर अधीरा के पहले लुक में उन्हें एक बड़ा शेप दिया गया है। उनके चेहरे और सिर के पिछले हिस्से में टैटू भी धगा गया, एक आराम करने वाला मतलबी चेहरा। फिल्म के निर्देशक ने दत्त की भूमिका और लुक को छुपाने के लिए काफी मेहनत की। फर्स्ट लुक शेयर करते हुए निर्देशक ने खुलासा किया है कि उनका लुक वाइकिंग्स के एक चरित्र से इंस्पायर्ड है। केजीएफ चैप्टर 1 साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। ऐसा करने वाली वह पहली कन्नड़ फिल्म थी। इसी के साथ केजीएफ चैप्टर 1 चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म भी बनी है। इतना ही नहीं, केजीएफ पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म थी। इस फिल्म के चैप्टर 2 का टीजर आखिरकार रिलीज हो चुका है और साथ ही साथ इसको देखने के बाद फैंस के बीच उत्साह और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान अभी भी नहीं किया गया है, तो आप लोग बताइए कि केजीएफ का सीक्वल आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। देवरा कोंडा दिखेंगे केजीएफ 2 के कैमियो में। किस विदेशी क्रिकेटर को है केजीएफ 2 का इंतजार? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में। यश के मुख्य भूमिका वाली केजीएफ एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी बन गई है और सीरीज की दूसरी किस्त रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के रिलीज या प्रमोशन के पहले विजय देवराकोंडा ने कहा कि हम निर्देशक प्रशांत नील के साथ केजीएफ 3 सीक्रेट प्लान बनाएंगे। ऐसे में इस बात की अफवाह उड़ने लगी कि क्या विजय केजीएफ 2 में कैमियो रोल में दिख सकते हैं। एक अवार्ड शो में जब इस बारे में उनसे पूछा गया कि विजय देवराकोंडा यश से चोरी करना पसंद करेंगे, तो अभिनेता ने केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील का उल्लेख किया। उन्होंने मजाक में कहा कि मैं उनके साथ केजीएफ 3 गुप्त योजना बना सकता हूँ। केजीएफ 2 के मेकर्स फिल्म का नया पोस्टर और लुक जारी कर रहे हैं। इस बार फिल्म में संजय दत्त भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। यश ने डियर कॉमरेड के लिए विजय देवराकोंडा के दौरे का समर्थन किया था, जो तब हुआ था जब उनके बीच का रिश्ता सार्वजनिक हो गया था। विजय जल्द ही फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर्स में नजर आने वाले थे। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें यश के केजीएफ ने उनके होश उड़ा दिए थे और ऐसा हो सकता है कि अपना सपोर्ट दिखाने के लिए विजय एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर केजीएफ 2 में नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं, विजय एक लौते सेलेब नहीं है जो इस हिट फिल्म के दीवाने हैं। इस फिल्म को भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद किया गया था। केजीएफ के कई दीवाने हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर भी इस फिल्म के दीवाने हैं। डेविड ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फेस मॉर्फ वीडियो शेयर किया था, जिसमें डेविड का चेहरा यश के चेहरे पर फिट किया गया है। वीडियो में वो सीन दिखाया गया है जिसमें यश पुलिस स्टेशन पर मशीन गन से हमला करने के बाद गर्मी से लाल हो चुकी बंदूक की बैरल से अपनी सिगरेट जलाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो के कैप्शन में डेविड वार्नर ने लिखा, मुझे ये भेजा गया है और मैंने वादा किया था मैं इसे शेयर करूंगा। डेविड के इस वीडियो को अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। कमेंट बॉक्स में लोगों ने ढेरों कमेंट भी किया है। प्रशांत नील के अनुसार केजीएफ चैप्टर 2 एक छोटी लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली फ्रेंचाइजी के अंत को चिन्हित करेगी।
आगामी फिल्म रॉकी भाई के किरदार को अपने दुश्मन का सामना करते हुए देखेंगे, जो कि संजय दत्त निभाने वाले हैं। संजय दत्त इस फिल्म में विलन का किरदार निभाते हुए दिखेंगे। केजीएफ 2 के रिलीज के बाद प्रशांत नील प्रभास के साथ सलार के लिए भी काम शुरू करने वाले हैं। अब जिस फिल्म के लिए विजय और डेविड वार्नर जैसे फेमस लोग एक्साइटेड है, उस फिल्म का सुपर हिट होना तो बनता है। आप सभी कितने उत्साहित है केजीएफ 2 के लिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आर्या पर्णावत को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या KGF 2 में हमें एक बार फिर से अर्चना जॉयस के कुछ सीन्स देखने को मिल सकते हैं, और क्या KGF 2 की टक्कर हो सकती है इस फेमस बॉलीवुड एक्टर की मूवी से? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के सुल्तान तो सलमान खान है, पर क्या आप जानते हैं कि टॉलीवुड का भी एक सुल्तान हमारे बीच आ चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि यश है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी एक मूवी जिसने उनके करियर को काफ़ी बड़ी उड़ान दे दी है, और साथ ही उनका स्टारडम ना सिर्फ टॉलीवुड में बढ़ा है बल्कि अब तो उनको बॉलीवुड से भी काफ़ी ऑफर्स आने लगे हैं। और अगर बात की जाए KGF की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ KGF ना सिर्फ टॉलीवुड इंडस्ट्री में, ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बल्कि पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, और इसी वजह से KGF 2 के लिए भी तमाम इंडियंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि KGF मूवी ने यश को रात और रात टॉलीवुड इंडस्ट्री का सुल्तान बना दिया। वेल फाइनली अब हमें इस मूवी का सीक्वल देखने का मौका भी मिलने वाला है। जी हाँ, जल्द ही बड़े पर्दे पर KGF 2 रिलीज होने वाली है, जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रही है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में हमें यश की ऑन स्क्रीन माँ यानी कि अर्चना जॉयस एक बार फिर देखने को मिल सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसा कुछ कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शायद इस फिल्म में यश की असल माँ यानी कि अर्चना का स्पेशल अपीयरेंस हमें देखने को मिल सकता है। टॉलीवुड इंडस्ट्री में अर्चना के काफ़ी फैंस हैं, और निश्चित तौर पर ये उनके लिए भी एक ट्रीट साबित होने वाली है। साथ ही साथ जो इस फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर नज़र आने वाली हैं यानी कि श्रीनिधि शेट्टी, उन्होंने बताया कि उनका ये किरदार जो KGF 2 में दिखने वाला है फैंस को, उनके करियर का सबसे यादगार किरदार होने वाला है, और उन्होंने अपने इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी मेहनत भी की है। अगर हम बात करें कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगले साल इस मूवी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, दरअसल मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा जा रहा है कि KGF 2 से भिड़ने के लिए बॉलीवुड की एक और मूवी तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे भाईजान यानी सलमान खान की। तो दोस्तों, पूरी खबर कुछ यूँ है कि ऐसा कहा जा रहा है शायद KGF 2 के साथ दबंग 4 को भी रिलीज़ किया जा सकता है, और ये एक बहुत ही बड़ा मेगा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है। निश्चित तौर पर सलमान खान के तमाम फैंस तो यही चाहेंगे कि दबंग 4 सक्सेसफुल हो, तो वहीं दूसरी तरफ KGF 2 के तमाम फैंस जो लंबे अरसे से इस मूवी के रिलीज़ डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपनी जी जान से कोशिश लगा देंगे कि KGF 2 ब्लॉकबस्टर बन जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस की इस जंग में आखिर जीत किसे हासिल होती है। चलिए दोस्तों, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप आखिर दबंग 4 के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं या फिर KGF 2 के लिए। क्या KGF 2 में आएगा लव एंगल? आखिर क्यों पसंद नहीं आया फैंस को KGF का एक्शन सीक्वेंस? KGF 2 में क्या है राज शक्ति शिला का? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका, और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फिल्म KGF चैप्टर 2 से जुड़े लेटेस्ट खबरों के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अपने एक्साइटमेंट लेवल को और भी ज्यादा हाई करने के लिए KGF के फैंस उसकी हर अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
इसी में आगे बढ़ते हुए फैंस फिल्म के कई सारे फैक्ट्स को उठा रहे हैं और फिल्म के फ्लो और कंक्लूजन को खोजने के लिए सारे थ्रेड्स को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा रॉकी को केजीएफ में अपना एक नया एम्पायर बनाने और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ इनायत खलील और रमिका सेन के साथ एक वॉयलेंट क्लैश को देखने के लिए भी फैंस काफी ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं। KGF 1 को देख चुके फैंस इस फिल्म की कहानी को काफी दिल से याद करते होंगे जब KGF 2 को सोचते होंगे। फिल्म के पहले कुछ मिनटों में KGF की कहानी को याद करते हुए फिल्म के कैरेक्टर आनंद ने बातों ही बातों में 24/7 की चीफ एडिटर मालविका अविनाश को शक्तिशिला के बारे में हिंट दिया था और फिर वहीं बातचीत के बाद दीपा ने किसी भी हाल में शक्तिशिला को खोजने का आदेश दिया और उस जगह की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए एक रिपोर्टर को भी अपॉइंट किया। लेकिन माना जा रहा है कि KGF चैप्टर 2 में उस रिपोर्टर को पुलिस की हिरासत में दिखाया जाएगा क्योंकि रॉकी और KGF की सच्चाई जानने के बाद उस रिपोर्टर की नीयत भी बदमाशों वाली हो जाती है और फिर पुलिस उस बदमाश को पकड़ लेगी। फिर जल्द ही दीपा का नाम भी जेल जाने वाली सूची में शामिल हो जाएगा। जब वो शक्तिशिला का दौरा करने के लिए उस जगह पर जाएगी पुलिस उसे वहां से पकड़ लेगी। हालांकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर KGF चैप्टर 2 में KGF और शक्तिशिला की खोज को काफी दिलचस्प तरीके से दिखाया जाएगा। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि KGF चैप्टर 1 में लव एंगल या फिर रोमांस के ना होने की वजह से ये कुछ ज्यादा ही यानी कि ओवर एक्शन लग रहा था। वहीं कुछ फैंस का कहना है कि उन्हें KGF के एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जैसे एक व्यक्ति 20 लोगों को मार देता है। फैंस चाहते हैं कि अब बॉलीवुड को भी एक्शन के मामलों में ग्रो अप कर लेना चाहिए। तो अब पूरे चांसेस है कि इस फिल्म में एक लव एंगल को भी दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिल्म ना ही किसी लव स्टोरी पर बेस्ड है और ना ही एक रोमांटिक फिल्म है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पिक्चर में लव स्टोरी किसकी दिखाई जाती है, रॉकी भाई की या फिर फिल्म के किसी अन्य किरदार की। वैसे आप यश को कौन से किरदार में देखना ज्यादा पसंद करेंगे, एक रोमांटिक अंदाज में या फिर एक अग्रेसिव लुक में? आप अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। KGF चैप्टर 2 से संजय दत्त के नए लुक ने कैसे सोशल मीडिया को हिला डाला, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जयाल। दोस्तों, बॉलीवुड की कई सुपरस्टार अब फिल्मों के इंतजार में बैठेगी ये कब रिलीज हो। इसमें KGF चैप्टर 2 भी है जिनके सितारे चाहते हैं फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो। फैंस भी इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोविड ने सब कुछ खराब करके रखा है। आपको बता दें संजय दत्त अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 के मेकर्स ने फिल्म से उनका नया लुक शेयर किया है। सामने आए पोस्टर में संजू बाबा काफी ज्यादा खोखार नजर आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका लुक। इससे पहले भी उनका एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें कि वो काफी ज्यादा स्टनिंग लग रहे थे और फैंस की बेताबी भी और भी ज्यादा बढ़ गई थी इस फिल्म के लिए। अब जो पोस्टर सामने आया उसमें काफी ज्यादा खतरनाक वो लग रहे हैं, खूंखार लग रहे हैं। नए पोस्टर में वो सफेद दाढ़ी, हाथ में तलवार, काला चश्मा पहने हुए हैं। उनका लुक देख सोशल मीडिया पर फैंस क्रेजी हो बैठे हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। फैंस ने कमेंट्स करते हुए कहा यही है सबसे बड़ा खलनायक। आपको बता दें फिल्म के प्रोड्यूसर विजय किरांदूर ने कहा कि ये फिल्म जल्द ही रिलीज करने का प्लान है। वही इसका निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। डायरेक्टर ने संजय दत्त का लुक ट्वीट करते हुए युद्ध प्रगति पर है और साथ ही उन्होंने लिखा गिद्ध भी मुझसे सहमत होंगे, हैशटैग अधीरा, जन्मदिन की शुभकामनाएं संजय सर। तो दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। वही इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया था यश के बर्थडे के मौके पर जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया था। अब तक बहुत सारे व्यूज इस टीजर को मिल चुके हैं और इस फिल्म का इंतजार हो रहा है। पहले कहा गया कि 23 जुलाई को इसे रिलीज किया जाना था लेकिन फिर कोविड के जो दूसरी लहर आई उसकी वजह से पोस्टपोन हो गया और अब कहा जा रहा है कि अगले साल तक इसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा बड़े बजट की है और मेकर्स किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, इस वजह से इसे लेट ही रिलीज किया जाना है। लेकिन ये थिएटर में रिलीज होगी ये तो तय है क्योंकि यश ने क्लियर कर दिया है कि इसे बड़े पर्दे के हिसाब से बनाया गया है और उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से हम इसे OTT पर नहीं रिलीज करेंगे। फिल्म में बहुत कुछ खास होने वाला है। यश और अधीरा का जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो फिल्म का पावर पॉइंट होगा क्योंकि इसमें ये शर्टलेस सीन करते हुए नजर आएंगे और खतरनाक स्टंट होंगे।
तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, संजू बाबा का ये नया लुक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। करेगा KGF 2 फिल्म का नरेशन, क्या है KGF 2 फिल्म में क्लाइमैक्स और कब किया गया था इसे शूट, क्या KGF 2 तोड़ेगा बाहुबली 2 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां हम देते हैं बॉलीवुड और उससे जुड़ी सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF 2 की मेरे यानी श्रुति के साथ। KGF सीरीज की पहली फिल्म है। इस फिल्म के बाद KGF चैप्टर 2 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में यश को रॉकी के रूप में मुख्य भूमिका में दिखाया गया है, जबकि रामचंद्र राजू गरुड़ के रोल में है। अनंतनाग फिल्म का नरेशन करते हैं, जबकि श्रीनिधि शेट्टी, वशिष्ठ एन सिम्हा, अच्युत कुमार, मालविका विनाश सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई देते हैं। KGF चैप्टर 2 का क्लाइमैक्स दिसंबर में शूट किया गया था। क्लाइमैक्स में नायक रॉकी, यश और खलनायक अधीरा के बीच जबरदस्त एक्शन के साथ लड़ाई और जानलेवा स्टंट किए गए थे। यश ने भी रिलीज डेट की जानकारी देते हुए लिखा, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि तारीख तय हो गई है। 1960 के दौर में सेट ये पीरियड फिल्म थी, जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर सक्रिय माफिया की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब करके भी रिलीज की गई थी। दूसरा भाग अब इन चारों भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म ने यश को उत्तर भारत में खूब लोकप्रियता दिलवाई थी। KGF चैप्टर 2 को रिलीज होने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। हम सभी KGF चैप्टर 1 द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बारे में तो जानते ही हैं, और हमें लगता है कि आगामी फिल्म KGF चैप्टर 2 भी एक नया मानदंड स्थापित करेगी। KGF चैप्टर 2 सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। अब खबर है कि YouTube पर जारी KGF चैप्टर 2 के टीजर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। KGF चैप्टर 2 का टीजर दुनिया में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाने वाला टीजर है। टीजर में एक नेता के रूप में रवीना टंडन को देखा जा सकता है, वहीं संजय दत्त अधीरा के लुक में नजर आ रहे हैं। होमबल फिल्म्स ने इस टीजर को रिलीज किया है, और टीजर को जारी करते उन्होंने कहा कि एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म्स के साल सिनेमाघरों में मेगा महत्वाकांक्षी KGF चैप्टर 2 को हिंदी में प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। इस फिल्म में संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज के साथ कई और कलाकार नजर आने वाले हैं। कन्नड़ सुपरस्टार यश की बात करें तो वो स्टाइल में खड़े होकर गाड़ियां उड़ाते नजर आने वाले हैं। टीजर में रॉकी की माँ और उसका बचपन दिखाया गया है, कैसे रॉकी की माँ ने उसे पाला, फिर बड़े होने का दौर और फिर माँ से किया वादा दिखाया गया है। इस वादे को रॉकी फिल्म में पूरा करेगा। जिस हिसाब से फिल्म के टीजर से लेकर फर्स्ट लुक्स को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, KGF 2 के रिलीज होने पर बॉलीवुड के कौन कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब तो बस इंतजार है इस फिल्म के रिलीज होने का हमें भी, और दुनिया भर में इस फिल्म के करोड़ों फैंस को भी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग और चटपटी। किस प्रोजेक्ट से बाहर हुए यश, KGF की कौन सी लाइन ने मचाया सोशल मीडिया पे हंगामा, क्यों भरना पड़ा यश को 13 करोड़ का भुगतान। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी, जो आज आपके लिए लेकर आई हूं फिल्म KGF 2 से जुड़ी लेटेस्ट खबरें। तो जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। KGF फ्रेंचाइजी इतना बड़ा नाम है कि आज हर कोई KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस फिल्म को इतना ब्लॉकबस्टर किसने बनाया? ऑब्वियसली इसके हीरो यश उर्फ रॉकी भाई ने। तो यहाँ हम यश को एक लकी मैन कह सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन हीरोज में से बस कुछ ही ऐसे गिने चुने हीरोज हैं जो कि लोग देखना पसंद करते हैं या जानते हैं, जैसे कि प्रभास, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू। और यश की किस्मत तो KGF से ही चमक गई, ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी है, अगर यश KGF चैप्टर 2 नहीं करते या फिर KGF चैप्टर 1 में ही नहीं आते तो क्या होता? होता ये कि हमें एक नया सुपरस्टार बिल्कुल भी नहीं मिला होता अब तक। KGF रिलीज तो होती लेकिन हाईलाइट नहीं होती। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है जो शायद आप लोगों को ना पता हो। दरअसल सुपरस्टार यश ने किराटका 2 के प्रोड्यूसर को 13 करोड़ रुपए वापस दिए हैं। क्यों? क्योंकि यश ने किराटका 2 शुरू किया था और लगभग 20 दिन की शूटिंग भी हुई थी, लेकिन इस फिल्म में देरी होने लगी, जबकि KGF 2 के निर्माताओं ने बिना देरी के KGF चैप्टर 2 को पूरा करने पर जोर दिया। यश जल्द से जल्द KGF चैप्टर 2 को पूरा करना चाहते थे और 2020 में किराटका 2 को फिर से शुरू ही करना चाहते थे। हालांकि इसकी सारी योजना कोविड-19 की लहरों में बह गई, क्योंकि जयना ने बहुत लंबा इंतजार किया है, इसलिए यश ने ब्याज के साथ रेम्यूनरेशन वापस करने का फैसला किया, जो कि 13 करोड़ रुपए था। हालांकि प्रोड्यूसर ने यश को राशि वापस ना करने को कहा, लेकिन यश नहीं चाहते थे कि फिल्म टीम किसी भी तरीके का नुकसान झेले। फिर ये भी क्लियर नहीं है कि क्या यश प्रोजेक्ट से बाहर हो गए हैं या नहीं। फिलहाल तो देश में दो ही वेव्स चल रही हैं, फर्स्ट कोरोना वेव और दूसरा KGF 2 का वेव। जैसा कि KGF
चैप्टर 1 में पत्रकार आनंद इंगलगी द्वारा कहा गया है, इतिहास हमें बताता है शक्तिशाली लोग शक्तिशाली स्थानों से आते हैं, जिसे केजीएफ चैप्टर 2 टीजर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और बोला गया था कि इतिहास गलत है, शक्तिशाली लोग शक्तिशाली स्थानों को बनाते हैं। हाई ऑक्टेन एक्शन सीरीज की ये पंचलाइनों ने सोशल मीडिया पर बहुत ही बहस छेड़ दी है, बहस की आग लगा दी है। माना जा रहा है कि इस टीजर का स्टेटमेंट ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वेल, इस फिल्म को लेकर कई सारी फैन थियोरीज भी सामने आ रही हैं और सबके सच होने के इक्वल चांसेस हैं। आपको इस पर क्या कहना है हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि केजीएफ के सुपरस्टार का असली नाम क्या है और क्यों उन्हें उस नाम से नहीं बुलाया जाता, और क्या केजीएफ 2 के डिले को लेकर विजय खिनगंदूर को भी काफी क्लैश झेलना पड़ रहा है? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो बेस्ड है एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म जो की है KGF 2। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस एक्टर की जिन्होंने प्रभास के बाद बॉलीवुड में अपना नाम इस तरह से कायम कर दिया है जो कि कोई और एक्टर रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन स्टार यश और उनकी आने वाली फिल्म KGF 2 के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि KGF के लिए प्रशांत नील बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसकी प्रीमियर के लिए बहुत सारे इंतजाम भी कर रहे हैं। इसलिए KGF 2 के ट्रेलर को देखकर फैंस का जो रिएक्शन था वो देखकर प्रशांत नील बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इसलिए वो जल्द ही इस मूवी को ऑडियंस के बीच रिलीज कर देना चाहते हैं। ऑडियंस के रिएक्शन को देखकर तो यही लग रहा है कि ये मूवी 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। पर क्या आप यश के पर्सनल लाइफ से जुड़े एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं कि उनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है? और एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने रियल नेम को देकर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया। तो ऐसा हुआ कि इंटरव्यू के दौरान किसी ने जब यश को अपने रियल नेम से बुलाया तो वो खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय के बाद उनका असली नाम सुनकर वो काफी हैरान हुए और उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ यश के नाम से फेमस है और इसी नाम को अपना लकी चार्म मानते हैं। तो इसलिए उन्हें अब उनको कोई नवीन कुमार गौड़ा से बुलाए तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर हम बात करें कि ऐसा खबर क्यों आ रहा है कि जिस फैंस ने KGF को सुपरहिट बनाया वही आज इसके सीक्वल को लेकर हंगामा कर रहे हैं, तो बात कुछ ऐसी है कि KGF 2 को 2020 में ही रिलीज करना था लेकिन कोविड के वजह से इसका डिले हो गया और हमें लगा कि अगली साल तो शायद KGF 2 हमें देखने को मिलेगी, पर वो भी नहीं पॉसिबल हुआ और इसी डिले की वजह से फैंस काफी नाराज हैं मेकर्स से और विजय किरकंदूर को भी काफी गुस्सा झेलना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर इसी वजह से। पर अब मेकर्स इस गुस्से को देखकर जल्द ही मूवी को हमारे बीच ला सकते हैं। तो चलिए अब आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 2 को देखने के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीवुड स्टूडियो। आखिर कहां से शुरू होगी KGF 2 की कहानी, कहां होगी रॉकी और अधीरा की टक्कर, कैसे लिया जॉन अब्राहम ने KGF 2 का सहारा अपनी फिल्म चलाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीग्राड स्टूडियोज जहां हम आपको देते हैं सभी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF 2 की। KGF चैप्टर 2 वैसे तो कन्नड़ भाषा की फिल्म है मगर इसे हिंदी दर्शकों के बीच भी खासी लोकप्रियता मिली है। दोस्तों, फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है और पहली फिल्म की कामयाबी ने दूसरे भाग के इंतजार को और बढ़ा दिया है। फिल्म का टीजर 8 जनवरी को यश के जन्मदिन पर रिलीज किया गया था और KGF चैप्टर 2 का क्लाइमेक्स दिसंबर में शूट किया गया था। क्लाइमेक्स में नायक रॉकी यानी कि यश और खलनायक अधीरा यानी कि संजय के बीच जबरदस्त एक्शन के साथ लड़ाई और जानलेवा स्टंट किए गए थे। दोस्तों, 1960 के दौर में ये सेट ये पीरियड फिल्म थी जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड्स को लेकर सक्रिय माफिया की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में भी इन रिलीज की गई थी और दोस्तों इस फिल्म ने यश को उत्तर भारत में खूब लोकप्रियता दिलवाई थी। KGF 2 के मेकर्स ने एक शर्त रखी थी कि KGF चैप्टर 2 की स्क्रीनिंग के लिए सिनेमाघरों को ईद के सप्ताहांत के दौरान सत्यमेव जयते 2 की स्क्रीनिंग करनी होगी।
जॉन अब्राहम अभिनीत सत्यमेव जयते 2 इस साल की ईद वीकेंड को रिलीज होने वाली थी और उम्मीद की जा रही थी कि सिनेमा घरों में सत्यमेव जयते 2 के लिए कम दिलचस्पी दिखाई जाएगी और इसलिए जॉन अब्राहम ने केजीएफ 2 का सहारा लिया है अपनी फिल्म के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दोस्तों सुनने में ऐसा आया है कि केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां इस फिल्म का पहला भाग खत्म हुआ था। कहानी में एक्टर यश के किरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था कि वह गरीबी में नहीं मरेगा। दोस्तों उसका ये वादा दूसरे भाग में पूरा होगा। इसकी झलक मेकर्स केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर में भी दे चुके हैं और टीजर में हमने लिखा देखा था कि वादा पूरा किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में 7 जनवरी को रिलीज हुए केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने अब तक 175.59 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर कमाए हैं और दोस्तों 8 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। अब दोस्तों इतनी बड़ी संख्या के साथ केजीएफ 2 कई हॉलीवुड फिल्मों से आगे है जो अतीत में ब्लॉकबस्टर बन गई थी। अब केजीएफ 2 के रिलीज होने पर बॉलीवुड के कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे ये तो अब वक्त ही बताएगा। अब इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर हैं सान्या। तो क्या मान लिया है केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर ने ये मूवी है एंटी फेमिनिस्ट? क्या केजीएफ चैप्टर 2 में फीमेल लीडिंग कैरेक्टर्स होंगी कम? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों आजकल की फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बनती है। इन फिल्मों में हर चीज को बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर डाला जाता है ताकि लोग इनसे कुछ इन्फॉर्मेटिव और एसेंशियल सीख सके। अब आ जाते हैं फिल्मों में यूज होने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट की ओर, जो है फेमिनिज्म। हाँ सही सुना आपने, फेमिनिज्म। फिल्मों की दुनिया में इस वर्ड का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और लोग आजकल इस वर्ड का भरपूर इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम आपको इस वर्ड फेमिनिज्म के अंदर सदी की सबसे पावरफुल फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के एनालिसिस के बारे में आपको बताएंगे। केजीएफ चैप्टर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील। इनकी स्टार कास्ट में सुपरस्टार यश, रवीना टंडन, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और भी कई कलाकार मौजूद होंगे और केजीएफ चैप्टर 2 मूवी सच में कहीं ना कहीं वुमेन को नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो करती है। केजीएफ चैप्टर 2 भले ही एक मेल गैंगस्टर के अराउंड लिखी गई है पर इसमें ये फैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इस मूवी में एक वुमेन का एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पेश किया गया है। बच्चे के बचपन में उसकी माँ की क्या भूमिका होती है इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। एक बच्चा उस माँ के लिए दिए गए मोटिवेशन और करेज के चलते दुनिया जीतने के लिए सब कुछ करने की तैयार रहता है और यहाँ इस मूवी के डायरेक्टर ने एक औरत को एक पिता के बराबर दिखाया है। जहाँ एक औरत ने पूरी मेहनत करके अपनी औलाद को पाला पोसा, उसे बड़ा किया, उसमें अच्छी क्वालिटीज डाले और आज उस औलाद का नाम है रॉकी भाई। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि केजीएफ चैप्टर 1 हो या फिर चैप्टर 2, रॉकी की माँ का किरदार बेहद ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है जो सीधे सीधे वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। इस बार केजीएफ चैप्टर 2 की बात करें तो फीमेल पॉलिटिक्स एंड पावर को भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाया जाएगा। इस बार मूवी में रामिका सेन जो कि भारत की प्रधानमंत्री बनी है उनका रोल कर रही है रवीना टंडन। मूवी के ट्रेलर में ही उनके पावर को शो कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर भी रिलीज हुआ था जिसमें रवीना टंडन के कैरेक्टर को बेहद पावरफुल दिखाया गया है और ऑडियंस को ये कैरेक्टर काफी पसंद भी आ रहा है। इस मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी जो कि मूवी में रीना का रोल कर रही हैं, उन्हें पहले पार्ट में एक इंडिपेंडेंट लड़की की तरह शो किया गया था और इस बार भी उनका कैरेक्टर कुछ वैसा ही होने वाला है। केजीएफ चैप्टर 2 इंडीड वुमेन एंड मेन के बीच में जो ये जो पावर, रिस्पेक्ट, स्पेस एंड सोशल डिफरेंस की दीवार है उसे गिराता हुआ दिखेगा।
फिलहाल तो इस फिल्म के रिलीज के लिए भारत की तमाम ऑडियंस लंबे अरसे से इंतजार कर रही है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं केजीएफ चैप्टर 2 के लिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। कमलना और मोनी रॉय जैसे कौन बिखेरेगा अपना जलवा, किस हीरोइन से चल रही है बात फिल्म को लेकर, जैकलीन फर्नांडिस या नोरा फतेही, किसकी होगी एंट्री। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। दोस्तों, कई फिल्मों में हमें ऐसे कुछ स्पेशल सॉन्ग देखने को मिले हैं जिसने फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वैसे ही जैसे फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में हमने दो एक्ट्रेस को फिल्म में ऐसे ही दो सॉन्ग पर परफॉर्म करते हुए देखा था, जिन गानों के रिलीज होते ही वो ट्रेंडिंग लिस्ट में चले गए थे। आपको बताते हैं कि फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 में हमने तमन्ना भाटिया को मोगम सॉन्ग में देखा था, जिसमें उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया था और लोगों को अपनी ओर देखने पर मजबूर भी कर दिया था। एक बात और बता दें कि इस फिल्म में दो ऐसे गाने थे जिसमें एक जो साउथ की ऑडियंस के लिए परफॉर्म किया गया था और साथ ही साथ जिसमें तमन्ना भाटिया थी, वही दूसरी तरफ नॉर्थ ऑडियंस के लिए फिल्म के आइटम नंबर गली गली ने खूब धूम मचाई थी, जिसे मोनी रॉय ने फिल्माया था। गाने में मोनी को एक अलग अंदाज में पेश किया गया था। गाने में मोनी ने जमकर लटके छटके लगाती हुई दिखी थी। इनके अलावा गाने में अभिनेता यश भी नजर आए थे। वही अब केजीएफ चैप्टर 2 में जल्द अपने फैंस से मिलने के लिए तैयार है। तो अब सवाल ये है कि इस फिल्म में हमें कौन नजर आने वाला है। तो आपको बता दें कि इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को पिक्चराइज करने की बात की जा रही है। जहाँ जैकलीन फर्नांडिस के डांस के जलवे से हर कोई वाकिफ है, भले उन्होंने हमेशा अपने आप को एक एक्ट्रेस के तौर पर दिखाया, पर ये बात हर किसी को पता नहीं है कि जैकलीन फर्नांडिस डांस भी किसी से पीछे नहीं है और इस बात को वो बागी 2 में साबित कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित के फेमस सॉन्ग 1-2-3 पर परफॉर्मेंस किया था, जो कि एक आइटम नंबर था। वही नोरा फतेही तो डांस में अपना नाम पहले ही बना चुकी, चाहे फिर वो स्ट्रीट डांस वीडियो या फिर जिसने नोरा फतेही को अपनी डांसिंग के लिए खूब तारीफ बटोरी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ही फेमस आइटम सॉन्ग से करा था। वैसे अभी तो कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन हम इसके अपडेट के बारे में जल्द ही आपको बताएंगे। और देखना तो ये होगा कि मेकर्स इस फिल्म में भी साउथ ऑडियंस के लिए अलग और नॉर्थ ऑडियंस के लिए अलग सॉन्ग पिक्चराइज करेंगे या इस बार कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग बताइए कि आप किस एक्ट्रेस को फिल्म के स्पेशल सॉन्ग में देखना चाहते हैं, जैकलीन फर्नांडिस या नोरा फतेही। आप अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ और नई फिल्मों की अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। तब तक अलविदा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिनके ऊपर दोस्तों उम्र का कोई असर नहीं दिखता है। भले ही वो 46 साल की हो गई हैं, लेकिन अपनी स्टाइलिश और फैशन सेंस से वो बॉलीवुड की कई यंग एक्ट्रेसेस को मात देती हैं। आज भी रवीना टंडन की स्टाइल और लुक के फैंस दीवाने हैं और दोस्तों रवीना टंडन बड़े पर्दे से भले ही दूर हों, लेकिन अपनी खूबसूरत तस्वीर और दोस्तों दिलकश अदाओं के जरिए अपने फैंस को हमेशा करीब रहती हैं। हाल ही में रवीना टंडन ने मिरर सेल्फी लेते हुए अपने कुछ लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर की है, जिन्होंने इंटरनेट पर पारा बढ़ा दिया है। बता दें कि रवीना टंडन ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वो मिरर सेल्फी लेते हुए दिख सकती हैं और इन्होंने क्रीम कलर की शर्ट ड्रेस कैरी की है और जिसमें वो बेहद हॉट, सेक्सी और ब्यूटीफुल लग रही हैं। दोस्तों बता दूं कि अलग अलग तस्वीरों में रवीना किलिंग पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरों में बन बना रखा है तो कुछ में उनके बाल खुले में हैं और दोस्तों वो घायल करने वाली दिलकश अदाएं दे रही हैं। सेम कलर के नेक पीस और स्लिंग बैग उनके पार्टी लुक को कंप्लीट कर रही हैं और दोस्तों इसके अलावा उन्होंने बेहद खूबसूरत हील्स कैरी की हुई है और एक्ट्रेस का ये लुक देखकर फैंस उन पर फिदा हो गए हैं और उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों रवीना टंडन ने तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए अपने फैंस से सजेशन लिया। उन्होंने फोटोज के कैप्शन में लिखा टॉप नॉट या फिर ओपन हेयर।
वोटिंग लाइंस ओपन। दरअसल इन तस्वीरों में रवीना के दोनों ही लुक देखने को मिल रहे हैं और वो अपने फैंस से जानने की कोशिश कर रही हैं कि वो किस लुक में ज्यादा अच्छी नजर आ रही हैं। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए, क्या खूब लगते हो आज भी। दूसरे ने लिखा, रैविशिंग एज ऑलवेज। अगर रवीना के बॉयफ्रेंड की बात करें तो रवीना केजीएफ 2 से अपना साउथ डेब्यू करने जा रही है, जिसकी हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग से लेकर डबिंग तक का सारा काम पूरा हो चुका है और दोस्तों अब इंतजार है इस फिल्म का सिनेमा घरों में आने का, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स को तब तक फिल्म रिलीज नहीं करेंगे जब तक सिनेमा अपनी रफ्तार पर ना आ जाए। लेकिन ऐसा होगा कब, ये किसी को खबर नहीं है, इसलिए इसकी रिलीज को इतने लेट 14 अप्रैल तक रखा गया है। अगर दोस्तों फिल्म में रवीना के किरदार की बात करें तो ये फिल्म में ऐसी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनने वाली है, बल्कि इसके ऑपोजिट साड़ी में नजर आने वाली है, क्योंकि ये भारत की प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म में रवीना के इस किरदार को देखने के लिए? इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई पिक्चर्स में रवीना कैसी लगी है हमें इसके बारे में भी कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। होगी केजीएफ 2 रिलीज, क्यों लिया प्रशांत ने अप्रैल में रिलीज करने का फैसला, क्या संजय की डबिंग था एक बहाना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केजीएफ 2 के बारे में। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का पोस्टर शेयर किया है। फिल्म का पोस्टर देखने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लग रहा है और दोस्तों पोस्टर में फिल्म के सभी सितारे देखे जा सकते हैं। रवीना टंडन, संजय दत्त, यश और प्रकाश राज फिल्म के पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। सभी का किरदार बड़ा ही इंटेंस लग रहा है और दोस्तों पोस्टर के सामने के आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। फिल्म का पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। संजय दत्त ने फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है, आज की अनिश्चितताएं केवल हमारे संकल्प को विलंबित करेगी, लेकिन जैसा वादा किया गया था वैसा ही होगा। हम 14 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में आ रहे हैं। संजय दत्त द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट को कुछ ही देर में 90,000 से ज्यादा लाइक्स आ गए हैं। अब दोस्तों एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है, सुपर्ब, फैंस दिल और फायर वाले इमोजी कमेंट करके भी अपना प्यार जता रहे हैं। बता दें दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं। ये फिल्म केजीएफ की अगली कड़ी है, जिसमें मुख्य रोल में यश और श्रीनिधि शेट्टी नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके बाद मेकर्स ने केजीएफ 2 बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों बता दें कि ये 14 तारीख मेकर्स को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि इसके आसपास कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से दोस्तों केजीएफ 2 सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी और इसका बिजनेस भी उतना ही सुपर्ब होगा। और शायद संजय तो मात्र एक बहाना है कि दोस्तों उनकी डबिंग की वजह से मूवी अटकी हुई है, लेकिन प्रशांत नील फिल्म के लिए एक ऐसी डेट तलाश रहे थे कि उस रिलीज डेट के आसपास कोई फिल्म रिलीज ही ना हो, ताकि इनकी फिल्म को अच्छी खासी पब्लिसिटी और सक्सेस मिल सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा प्रशांत नील का ये फिल्म को किया हुआ परपंच सफल, क्या मिलेगी केजीएफ 2 को मनचाही सफलता, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किस वजह से केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है? फिल्म के किस सीन को इतिहास के पन्नों से लिया गया है और कौन है केजीएफ 2 की बुलंद आवाज? यह स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 को 14 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए रीशेड्यूल किया गया है। हालांकि केजीएफ 2 के लिए एंटीसिपेशन जल्द शांत होती नहीं दिख रही है। इसके अलावा केजीएफ फैंडम अपने शासन काल को एक्सपांड कर रहा है, जिसका एक सीजन केजीएफ चैप्टर 2 के ऑफिशियल टीजर के कई रिकॉर्ड तोड़कर टॉप पर अपनी जगह पक्की कर रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 के ऑफिशियल टीजर ने हाल ही में यूट्यूब पर 213.41 मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ एक नया माइलस्टोन सेट किया है। इसके अलावा इसे 1,175,523 से अधिक कमेंट्स के साथ 8.7 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले हैं। वास्तव में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा शानदार माइलस्टोन अनमैचेबल है। टीजर में दिखाए गए हर फ्रेम से फैंस हैरत में हैं। विदेशों से भी एक्शन फिल्म प्रेमी उस ऐतिहासिक दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब वो मॉन्स्टर यश को नारची में एक नए एम्पायर का पूर्ण निर्माण करते हुए देखेंगे और अधीरा, इनायत खलील, रमिका सेन और सरकार के साथ उसका वॉयलेंटली क्लैश होगा। केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर की शुरुआत एक इमोशनल सीन से की गई है। रॉकी की मां ने बेबी रॉकी को अपने हाथों में पकड़े हुए केजीएफ 1 की यादें ताजा कर दी। अगले सीन ने नारची की झलक दी और इसके बाद के फ्रेम में सीबीआई अधिकारी रॉकी भाई को गिरफ्तार करने के मिशन के लिए रवाना हुए।
रमिका सेन की रिमार्केबल एंट्री ने वास्तव में रोंगटे खड़े कर दिए। इसके अलावा नारची में प्रवेश करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ सेना और नौसेना बलों ने केजीएफ प्रेमियों की उम्मीदें और बढ़ा दी होंगी। इस बीच बैकग्राउंड में आग की लपटों के साथ तलवार को लहराते हुए अधीरा का फर्स्ट लुक मेस्मराइजिंग था। हालांकि टीजर के कई फ्रेम्स के बीच रॉकी भाई ने कई गाड़ियों को उड़ा दिया, जिसके बाद आइकॉनिक स्मोकिंग सीन था। रॉकी रेड हॉट गन बैरल से सिगरेट जलाते नजर आ रहे हैं। हालांकि शॉट एक कंट्रोवर्सी में चला गया, लेकिन केजीएफ और यश के फैंस ने इसे काफी अप्रिशिएट किया। ये सीन वास्तव में शानदार था और आज तक सभी को पसंद है। अधिक जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई फैंस अभी भी इस बात से अनजान है कि शॉट को एक रेफरेंस के रूप में लिया गया था। जैसा कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया है, आइकॉनिक सीन रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। केजीएफ चैप्टर 2 के ऑफिशियल टीजर के जारी होने के तुरंत बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, जो हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के अमरीकी सैनिकों की खींची गई तस्वीर है, इंटरनेट पर सामने आई। तस्वीर में तीनों सैनिकों को M2 ब्राउनिंग गन ने एक गर्म बैरल से सिगरेट जलाते हुए दिखाया गया है। दोनों फ्रेमों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। भले ही केजीएफ 2 का आइकॉनिक स्मोकिंग सीन तस्वीर से प्रेरणा ले सकता है, फिर भी फैंस इस लुक से हैरान हैं। SS राजमौली की बाहुबली के बाद ये कोई और नहीं बल्कि प्रशांत नील की केजीएफ है, जिसके लिए फिल्म प्रेमियों के बीच दीवानगी ने सारी हदें तोड़ दी है। केजीएफ चैप्टर 2 या इसके कलाकारों पर कोई भी अपडेट या चर्चा इंटरनेट पर धूम मचा देती है, और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजीएफ 2 का विलन अधीरा, जो संजय दत्त द्वारा निभाया गया है, इस फिल्म के बाद महेश बाबू अभिनीत त्रिविक्रम श्रीनिवास के निर्देशन में बनी फिल्म में देखे जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो संजय दत्त बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर होंगे जिन्हें साउथ में दो बड़े डायरेक्टर्स के साथ बैक टू बैक काम करने का मौका मिलेगा। ये बताया गया है कि संजय दत्त तेलुगु सुपरस्टार की फिल्म में एक शक्तिशाली पॉलिटिशियन की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, और इसके अलावा पूजा हेगड़े महेश बाबू अभिनीत फिल्म में मेन रोल निभाएंगे। महर्षि के बाद डैशिंग अभिनेता के साथ उनकी दूसरी फिल्म है। इस समय कई बड़े एक्टर्स पॉलिटिक्स से जुड़ी फिल्में कर रहे हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो जो थलाइवी के लिए चर्चाओं में है, या फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के महानायक कमल हसन जो इंडिया 2 की तैयारी में बिजी है। ऐसे में तेलुगु इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन भी जल्द ही विशाखापट्टनम में हुए गैस लीक मामले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ला रहे हैं, जो यकीनन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स पर फोकस करेगी। हालांकि इस बात की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है कि संजय दत्त ने फिल्म के लिए अपनी सहमति दी है, या प्रोड्यूसर्स ने इस भूमिका के लिए बॉलीवुड अभिनेता से संपर्क किया भी है या नहीं। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकिंग स्टार यश और श्रीनिधि शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि संजय दत्त मेन विलन अधीरा और रवीना टंडन प्रधानमंत्री रमिका सेन के रूप में हैं। इसके अलावा विजयेंद्र इंगलगी के रूप में प्रकाश राज हमें एक नए जर्नलिस्ट के रूप में नजर आएंगे, जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हमने उनकी आवाज फिल्म के टीजर में भी सुनी है, जिस तरह केजीएफ चैप्टर 1 के ट्रेलर में हमने अनंत नाग उर्फ आनंद इंगलगी की आवाज सुनी थी। फिल्म के नरेशन को लेकर पहले ये भी कहा गया था कि आमिर खान केजीएफ 2 को नरेट करेंगे, लेकिन मामला जम नहीं पाया। फिल्म के टीजर में भी और सीबीआई अधिकारी के रूप में राव रमेश जैसे अभिनेता भी मच अवेटेड केजीएफ सीक्वल के लिए पहले से ही एक्साइटेड है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह का सस्पेंस आता है फिल्म के रिलीज के बाद।